हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट बेन्स मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया वीडियो लेकर हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे आपको दिखते होंगे और कभी कभी आप लोग सोचते होंगे अगर इसको हम प्ले करें तो इसके लिए हमें कुछ पेमेंट मांग लिया जाएगा हम क्या करेंगे देख के तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है हमारे चैनल पे आपको जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं ये 100 परसेंट फ्री होते हैं हम इसके लिए कभी भी आपसे किसी भी पेमेंट की मांग को नहीं करते हैं कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने दो या तीन वीडियोस दिखा दिए कुछ टॉपिक्स दिखा दिए उसके बाद हम आपसे बोलें कि आगे के टॉपिक आपको देखने हैं तो आपको जो है कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे आप जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं जितनी बार भी देखना चाहते हैं जब भी देखना चाहते हैं हंड्रेड फ्री है तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए क्यों क्योंकि हमारा चैनल 100% परसेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के लिए स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एन डी सभी कुछ हंड्रेड फ्री है तो आते हैं आज के वीडियो पे आज का जो हमारा वीडियो है ये है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि फटाफट हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे पूरे साल में हमारे बहुत से एग्जाम टेस्ट होते हैं इस दौरान हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं तो हमारा ये वीडियो आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा आसान करने के लिए है मतलब इस वीडियो में आप फटाफट पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी समझ जाएंगे साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो हमने पहले नहीं किए हैं तो ये हमने हर चैप्टर वाइज आपको कराए हैं तो आज का जो ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है ये है क्लास ट्वेल्थ हिंदी के लिए है इलेक्टिव सिलेबस है इलेक्टिव और हिंदी की पूरक पुस्तिका हमारी है अंतराल भाग दो उसका अध्याय है प्रथम सूरदास की झोपड़ी ये जो कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है किस तरीके से एक अंधा गरीब भिखारी कितनी मेहनत से अपने लिए पैसे इकट्ठा करता है और किस तरीके से किसी के कारण उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है उसकी झोपड़ी तो जली जाती है साथ ही वो सोचता है कि उसके रुपए भी जल गए लेकिन वो रुपए जो है जिस आदमी ने उसकी झोपड़ी जलाई होती है वो उनको चुरा कर लेके जाता है और कैसे इन सारी विपरीत परिस्थितियों में जब वो बहुत डिप्रेस होता है और कैसे उसे एक रोशनी की किरण दिखती है और फिर से वह दोबारा अपना घर बनाने और इन सबको करने के लिए दोबारा धन इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित होता है और फिर से सारे प्रयास करता है तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं ये कहानी हमें बहुत प्रेरणा प्रदान करती है कि हमारी मेहनत बहुत कई बार जो है वो ख़राब हो जाती है हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ऐसा होता है सबकी लाइफ में होता है तो वो जब परिस्थिति आती है जब हमारी मेहनत हमें लग रहा है कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गई खराब हो गई तो उस समय हमें डिप्रेस नहीं होना होता वो पल ऐसा होता है कि नहीं हम फिर से कर लेंगे पहले भी तो हम ही ने किया था तो क्यों नहीं हम आगे कर सकते हैं फिर से हम करेंगे फिर से हम खड़े होंगे और फिर से ये घर मकान जो कुछ भी है भी कभी जैसे आपके एग्जाम से मार्क्स कम आ जाते हैं तो आप बड़ा उदास से हो जाते हो हु� परेशान हो जाते हो क्यों परेशान हो जाते हो क्या आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल हजार मौके मिलते हैं इस लाइफ में इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को तो ये कहानी हमारी शुरू होती है सूरदास की झोपड़ी का जलना सबसे पहले कहाँ से उसकी झोपड़ी जलती है पाठ में हमारे सबसे पहले हमने देखा कि झोपड़ी जल गई क्या हुआ सूरदास की झोपड़ी रात में दो बजे अचानक धू धू करके जलने लगती है देखते देखते मोहल्ले भर के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं सूरदास झोपड़ी में जाना चाहता है पर लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं बजरंगी और जगदर सूरदास सूरदास से पूछते हैं कि कहीं उसने चूल्हे को यूं ही जलता तो नहीं छोड़ दिया था जिसके कारण यह आग लग गई जगधर के पूछने पर नायकराम जवाब देता है कि यदि चूल्हे को ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसा ठंडा होता तो अब यहाँ पर क्या था ये पाठ जो हमारा शुरू होता है कि रात में दो बजे अचानक सूरदास की झोपड़ी करके आग जल लग जाती है उसमें तो सभी लोग आते हैं कुछ लोग आग बुझा रहे हैं कुछ लोग सिर्फ खड़े तमाशा देख रहे हैं तो दो लोग जो होते हैं वो कौन है बजरंगी और जगधर वो सूरदास से पूछते हैं कि आ, कहीं तुमने ऐसा नहीं? तो नहीं रात में खाना बनाया था और चूल्हे को तुमने पूरी तरह बुझाया नहीं और उसकी आग ने जो झोपड़ी को पकड़ लिया तो इसके उसमें इसके उत्तर में तो भाई सूरदास तो परेशान होता है वो कुछ नहीं कहता है वो तो बस झोपड़ी के अंदर जाना चाहता होता है तो नायक राम जो है एक उसका और पड़ोसी होता है वो बोलता है कि अगर उसने चूल्हे की आग ठंडी कर दी होती तो कुछ लोगों का कलेजा कैसे ठंडा होता मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ था कि जो लोग सूरदास से जलते थे वो जो है सूरदास की जलती हुई झोपड़ी देख के उनका कलेजा ठंडा हो तो उससे क्या होता कि उसको बहुत प्रशंसा होती उन लोगों को जो देखते कि भाई झोपड़ी में आग लग गई है और वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं उसकी इस बात को सुनकर जगधर स्वयं पर संशय किए जाने का अनुभव वो सोचता है कि शायद उसको ऐसा लग रहा हो कि मैंने लगाया जगधर जगधर ये सोच रहा हो कि शायद मैंने लगाया इससे उसको कुछ डाउट होने लगता है तो साथ ही उसके द्वारा इस घृणित कार्य के प्रचोध लेने के लिए, के लिए कहने पर ठाकुर दीन नायक राम को समझाते हुए कहता है कि भगवान स्वयं को दोषी दोषी को दंडित देगा तो अब यह है कि नायक राम जो है वो बोलता है कि भाई हम प्रतिशोध लेंगे तो ठाकुर दीन समझाता है कि नहीं प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है भगवान सबको देखते हैं वो सब दंडित करेंगे आग बहुत तेज थी पर शुक्र यह था कि सूरदास की झोपड़ी के आसपास वाली झोपड़ियां सुरक्षित रही आग बुझने पर सभी अपने अपने घर चले गए तो उसकी झोपड़ी को तो जान के जलाया गया था तो बहुत तेज़ आग लगी थी मगर आसपास की झोपड़ियां सुरक्षित रहें उनमें आग नहीं पकड़ा और जैसी आग बुझी सब अपने अपने घर चले जाते हैं फिर आगे क्या होता है रुपयों की पोटली की चिंता जैसे कि हमने आपको बाद में शुरू में बताया था कि उसकी रुपयों की पोटली भी एक रखी हुई थी तो सूरदास को तो उसकी चिंता थी तो क्या होता है भाई पढ़ते हैं आगे सबके चले जाने के बाद भी सूरदास वहीं बैठा बैठा सोचता रहा कि काश आज की रात वह झोपड़ी में सो सोता तो झोपड़ी में आग लगने की किसी आग लगाने की किसी की हिम्मत ना होती और आग लगाए जाने पर वह अपनी उम्र भर की कमाई के रूप में जमा के रुपयों की पोटली को बचा लेता यानी उसे सोचा कि अगर मैं बाहर जाकर नहीं सोता तो कोई आग नहीं लगाता और अगर आग लग भी जाती तो मैं कम से कम घर से निकलने से पहले वो पोटली उठाकर लेकर भाग लेता वहाँ से उसका मानना था कि उसी पोटली में उसका उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार हो सकेगा उस पोटली में उसने चांदी के 500 से अधिक रुपए रखे थे उसने इन्हीं रुपयों के सहारे गया जाकर पितरों को पिंड दान देने की योजना बनाई थी वह अपने पुत्र मिठुआ को ब्याहना भी चाहता था ताकि घर में बहू आ जाए और वह भोजन पकाने से भी छुटकारा मिल जाए किंतु रुपए तो झोपड़ी के साथ ही जल गए और उसकी सारी इच्छाएं भी धरी की धरी रह गईं फिर भी सोच रहा था कि रुपए तो आग में पिघल गए होंगे पर चांदी तो अवश्य बची होगी इसी विश्वास से गरम राख में उलट पुलट कर सूरदास चांदी खोजने लगता है पर निराश ही हाथ लगती है और वह वही राख पर बैठ रोने लगता है अब क्या होता है जो पोटली थी वो सब चले गए सब अपने अपने घर चले गए आग बुझ गई वो वहीं बैठा बैठा जो है वो सो, सो, सोच रहा था कि क्यों मैं बाहर सोया अंदर सोया होता तो शायद पोटली बच जाती चलो जैसे तैसे अब वो पोटली जो है उसमें उसे 500 सौ रुपए और कुछ चांदी रखी हुई थी और इसी पो, इसी से वो क्या करना चाहता था अपने पितरों का दान गया जाके करना चाहता था मैं अपने बेटे मिठुआ की शादी करना चाहता था और साथ ही साथ गाँव में कुआं भी बनवाना चाहता था लेकिन उसकी सारी आशाएं धरी की धरी रह गई वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि नोट तो जल गए अब वो सोच रहा है नोट तो जल गए मगर चांदी तो पिघल के वहीं गई होगी तो वो यही सोचता हुआ क्या वो गरम राख में चला जाता है उलट पलट करता है कि शायद गरम राख पे चांदी पिघल गई होगी वो तो मिल जाए लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो निराश होकर वहीं बैठकर रोने लगता है भैरों के षड्यंत्र का खुलासा अब भैरों द्वारा जो है एक षड्यंत्र रचा गया था जिसके तहत सूरदास की झोपड़ी जल गई थी अब क्या षड्यंत्र था देखिए सुबह के समय सूरदास राख बटोर रहा था तभी जगधर आकर उससे पूछता है कि कहीं वह उस पर शक तो नहीं कर रहा है सूरदास के इनकार करने पर जगधर उसकी ओर से निश्चिंत होकर सीधे भैरव के पास जाता है क्योंकि उसी ने सूरदास को रुलाने की बात कही थी जगधर की पूछने पर भैरव उसे बता देता है कि आग उसी ने लगाई थी भैरव रुपयों से भरी पोटली दिखाते हुए यह भी कहता है कि यह मेरी पत्नी को बहकाकर ले जाने का जुर्माना है जगधर द्वारा पोटली के विषय में पूछने पर वह बताता है कि उसे यह पोटली उसकी झोपड़ी में मिली जिसमें 500 सौ से अधिक रुपए हैं जिन्हें उसने राहगीरों से ठक्कर जमा किए हैं। वह कहता है कि शायद उसे इन्हीं रुपयों पर अभिमान हो गया था लेकिन अब वह इन रुपयों से बिरादरी को भोज करवाएगा अब क्या है सुबह होती है सूरदास वहीं झोपड़ी के पास बैठा राग बटोर रहा होता है निराश होता है भाई उसको तो झोपड़ी से ज़्यादा उसके पैसे जो जल गए थे जीवन भर की कमाई थी उसका अफसोस था उसके पास जगधर आता है कि वो वोता है कि कहीं तुमको तो शक नहीं है कि मैंने तुम्हारी झोपड़ी में आग लगाई तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं शक है तो सूरदास की तरह से निश्चिंत होकर वो कहाँ चला जाता है जगधर भैरव के पास जाता है क्यों क्योंकि भैरव जो है वो उसी ने बोला था कि मैं सूरदास को एक दिन रुलाऊँगा तो वो पूछता है क्या तुमने लगाई तो जगदर भैरव बोल देता है हाँ मैंने आग लगाई थी और जो रोट रो, रुपयों की जो पोटली होता है वो दिखाता है कि मेरे को ये पोटली उसके पास से मिली उसके घर में थी आग लगाने से पहले मैं उठा लाया और इसके अंदर पाँच सौ रुपये थे इन्हीं रोप ये जो पोटली है ना ये मेरी बीबी को भगा लें भाई वो मारता पीटता था अपनी बीबी को और वो बीबी जो है उसकी सुभागी वहाँ से भाग के सूरदास के यहाँ छिप गई थी और सूरदास ने भैरों को मारने से रोक दिया था अपनी बीबी को तो इस बात का उसको बहुत खुंदस्ती इसीलिए उसने झोपड़ी में आग लगाई थी तो अब वो कहता है कि ये मेरी बीबी को वो भगा के ले गया था ये उसका जुर्माना है और ये इससे सब लोगों से ठक ठक भाई वो भैिकारी होता है तो वही बोलता है कि भसूरदास ने जो है लोगों से ठक ठक के ये सारा पैसा इकट्ठा किया है अब मैं इस पैसे से जो है पूरी बिरादरी को भोजन कराऊंगा यानी कि एक तरह से पार्टी दूंगा जगधर का ईर्ष्या की आग में जलना अब भैरव को इतने सारे पैसे मिल गए थे पोटली में अब जगधर को ईर्ष्या हो रही थी भैरव से क्या जगधर को भैरों के हाथ लगे रुपयों की पोटली देखकर उससे ईर्ष्या होने लगी थी इतने सारे पैसे उसे मिल गए थे वह भैरों को सूरदास के रुपए लौटा देने की सलाह देता है पर भैरों भला ऐसा क्यों करता वह सूरदास पर तरह-तरह के आरोप लगाते हुए कहता है कि ऐसे दुश्चरित और ठग व्यक्ति के साथ कुछ भी करना पाप नहीं है जगधर को चैन ना था अब क्या है जग जगधर को ये लगता है कि इतना सारा पैसा उसको मिल गया तो वो सीधे बोलता है कि भाई तुम सूरदास को लौटा दो तो वो कहता है वो बहुत बड़ा ठग है मैं उसको नहीं मैं उसको पैसे देने वाला नहीं मना कर देता है अब जब उसको मना कर देता है तो भाई भैरव जगधर को बहुत ही ईर्षा होती है इसको इतना पैसा मिल रहा है तो किसी तरह चैन ही नहीं है भैरव उसे पोटली का आधा हिस्सा दे देता तो वह चुप रह जाता पर ऐसा ना हुआ अब वो भी बोलता है कि भाई तुम आधा पैसा मुझे दे दो आधा तुम रख लो आधा तुम रख लो तो मना कर देता आधा आधा है लिया है तो मैं ही लूंगा तो अगर वो जगधर जो भैरो जो भैरव है जगधर को आधे पैसे दे देता तो वो चुपचाप जो है जगधर बैठ जाता पर उसने दिया नहीं वह सूरदास को भैरव की करतूत बताना चाहता था उसके पास हुए वह भैरव से खुद की तुलना करता हुआ सोचता है कि तेल की मिठाई को घी कहकर बेच ईमान तो वह भी गवाता है पर उसे आज तक कुछ भी हासिल ना हुआ और भैरव पल भर में अमीर बन गया अब उसे दो तीन और दुकानों का ठेका मिल जाएगा अब वो ये सोचता है कि भैरव ने जो करतूत करी है मैं ये सूरदास को बता दूंगा फिर भाई उसकी हलवाई की दुकान होती है किसकी जगधर की तो वो सोचता है कि मैं भी आज तक तेल की मिठाई को घी की मिठाई कहकर बेचता आया अपना ईमान बेचता रहा गलत करता रहा पर मुझे फायदा इतना नहीं हुआ लेकिन भैरों को एकदम से इतना फायदा हो गया तो ये चीज़ उसको बहुत ही ख़राब लग रही होती है और अगर भाई उसको इतने सारे पैसे पाँच सौ मिल गए तो वो और दो तीन दुकानें खरीद लेगा और उसके बाद दो तीन दुकानें ज़्यादा हो जाएंगी तो ये चीज़ भी उसके मन में चल रही थी जगधर के मन में भैरव की शरारत से सूरदास को अवगत कराना अब जगधर जो है वो भैरव ने जो काम किया है ये सूरदास को बता देता है ठीक है जगधर जाता है और भैरों ने उसकी झोपड़ी में आग लगाई उसके पैसे ले गए सारी बात जाके वो कहां बताता है सूरदास सूरदास को कैसे के पास कहा जगधर उसके रुपयों की पोटली भैरों के पास होने की बात कहता है किंतु सूरदास अपनी हैरानी को छिपाते हुए कहता है कि वे रुपये मेरे नहीं किसी और के होंगे मुझ भुकारी को भला साढ़े पाँच सौ रुपये कहाँ से मिलेंगे दरअसल सूरदास को दरिद्रता प्रिय नहीं थी पर एक भिकारी के धन संग्रह करने का किस्सा जग जाहिर हो वह इसे अच्छा नहीं मानता था इसी कारण वह रुपयों का पर दावा नहीं करता जगधर द्वारा जोर दिए जाने पर भी वह उन रुपयों को अपना बताने से इनकार कर देता है अब क्या है जगधर सीधे सूरदास के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी झोपड़ी में आग जो है भैरों ने लगाई और तुम्हारे रुपयों की पोटली जो है वो उसके पास है इस बात से वो सूरदास को हैरानी तो लेकिन वो अपनी हैरानी को छिपाता है और मना कर देता है कि वो पोटली मेरी नहीं है अब वो ऐसा क्यों करता है बेपोटली तो उसी की थी एक गरीब भिकारी के पास इतना सारा पैसा हो अगर ये सबको पता चल जाए तो लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि भाई ये चोर है इसने चोरी करके इकट्ठा किया हो बहुत तरह तरह की बात कहते इसलिए वो चुपचाप उस पोटली के अपने होने की बात को इनकार कर देता है कि वो मेरी नहीं किसी और की होगी सुभागी का फिर से भैरव के साथ रहने का निर्णय करना अब सुभागी जो है वो भैरों की पत्नी थी उसे बहुत मारता पीटता था लेकिन सुभागी इन सब के बावजूद सब कुछ जानती है उसके बाद फिर से वो भैरव के साथ रहने का निर्णय करती है जबकि जब वो सूरदास सूरदास के यहाँ आके छिपी थी अपनी जान बचाई थी तो उसने निश्चय कर लिया था कि अब मैं इस आदमी के घर वापस नहीं जाऊंगी लेकिन दोबारा वो सुभागी जो है वो भैरव के साथ रहने का निश्चय करती है ऐसा क्यों सुभागी रात भर मंदिर के पास छिपी थी उसे घटना की सच्चाई मालूम थी वह यह सोचकर दुखी थी कि उसके कारण उसके पति ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी सूरदास को दिलासा देने के लिए वह उसके पास पहुंचती है वह भैरव के नीरस स्वभाव के कारण अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय कर चुकी होती है लेकिन जगधर के यह कहने पर कि भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके रुपयों की पोटली भी अपने साथ ले गया है जिसे वह अपनी आंखों से देख आया तो कहने का तात्पर्य है कि जब सूर जो भैरव है वो सॉरी जगधर जो है वो सूरदास को सारी बात बता रहा होता है कि तब तो सुभागी ये सारी बातें सुन लेती है कि किस तरीके से जो है भैरव ने उसके घर में आग लगाई उसकी पोटली लेकर आई तो जब रात भर वो मंदिर में छिपी थी क्योंकि उसके घर से भाग के आई थी वो मार रहा था तो भाग के आई थी और ये क्या के कहते हैं जगधर भैरव ये सोच रहा था कि वो सूरदास की झोपड़ी छुपाए तो उसने आग लगा दी थी तो अब उसने जब वहाँ से निकली थी उसने सोचा था कि मैं इस आदमी के पास दोबारा नहीं आऊँगी मैं अकेले जीवन व्यतीत कर लूंगी लेकिन इसके पास आकर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी लेकिन जब वो सारी बातों को सुनती है कि किस तरीके से उसके कारण सूरदास की झोपड़ी जली उसके पैसे चले गए सब कुछ उसने जान लिया समझ लिया तो अब आगे क्या करती है वो सुभागी सूरदास से पोटली के विषय में पूछती है अब सुभागी वापस आती है और सूरदास से पूछती है क्या वो पोटली सच्चे तुम्हारी थी जिस पर वह इनकार करता है लेकिन वह उसके चेहरे से उसकी वेदना को पहचान लेती है सुभागी अपना प्रण तोड़कर फिर से भैरों के घर रहने का मन बना लेती है अब उसे सूरदास के रुपए दिलाए बिना चैन ना था वह जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चल पड़ती है अब क्या है वो फिर से अब क्योंकि भैरव ने जाके सुभागी को भी बताया पहले तो वो जब क्या कहते हैं जगधर और भैरव बात कर रहे थे तो उसने वो सारी बात सुनी होती है फिर जब भैरव जगधर सूरदास के पास आता है सारी बात बताने के लिए तो सूरदास इनकार कर देता है कि भैर मेरी पोटली नहीं है तो फिर वो कहाँ जाता है सुभागी के पास जाता है सुभागी को बताता है सारा अब क्या है सुभागी और जगधर फिर से आते हैं सूरदास के पास कि पूछते हैं वो पोटली तुम्हारी तो वो फिर से इनकार कर देता है लेकिन सुभागी उसके चेहरे के दर्द को देख के समझ जाती है कि वो पोटली उसी की है अब उसने जो प्रण किया होता है कि वो अपने पति भैरों के पास जाके दोबारा नहीं रहेगी वो अपने उस प्रण को तोड़ देती है और वापस जाके अपने पति के पास रहने का निश्चय करती है इसलिए ताकि वो पुरुपियों की पोटली वापस सूरदास को दिला सके इसलिए वो वापस चल देती है भैरों के साथ जगधर के साथ भैरों के घर रहने के लिए घीसू की बात से प्रेरित होना अब घीसू कौन है मिठुआ का दोस्त है ये सब खेल रहे होते हैं सूरदास बहुत डिफ्रेंस होता है उससे किस तरीके से उसको प्रेरणा मिलती है तो क्या है सूरदास का मन घोर निराशा में डूबा था एक और वह भैरव द्वारा रुपए चुराने की बात को अपने पूर्व पूर्ण जन के कर्मों से जोड़ रहा था तो दूसरी ओर वह सुभागी के भविष्य को लेकर भी चिंतित था कि अब वह कहाँ रहेगी कैसे रहेगी इसी बीच मिठुआ रोता रोता चला आता है उसका मित्र अपने घर से उसे चढ़ा रहा था कि वह खेल में रो रहा है घीसु की इस बात को सुनकर सूरदास की उदासी ग्लानी छोप सब कुछ गायब होने लगा वह सोच रहा था कि जब बच्चे भी खेल में रोना अच्छा नहीं मानते तो फिर वह बड़ा होकर यह भूल क्यों रहा है अब क्या है सूरदास बहुत डिप्रेस था क्योंकि उसके घर जल गया उसके पैसे चले गए इसके साथ ही साथ वो सुभागी के लिए टेंशन में था कि सुभागी कहाँ रहेगी सब कुछ टेंशन में ही था अभी सब सोच ही रहा था इतनी देर में उसका बेटा मिठुआ रोता रोता आता है अब मिठुआ क्यों रो रहा था आ, कुछ खेल में, खेल में खेल में खेलते खेलते लड़ाई हो गई तो वो रोने लगा तो घीसू उसे चिढ़ा रहा था कि भाई तुम क्यों खेल में रोते हो ऐसे इस तरीके से घीसू उसका मित्र मिठुआ का बोल रहा होता है तो सूरदास के अंदर जितने भी डिप्रेशन के भाव थे वो सभी कहीं गायब हो जाते वो सोचता है कि जब खेल में बच्चे भी रोने को गलत मानते हैं तो मैं जीवन के इस उतार चढ़ाव से इतना दुखित होकर क्यों यहाँ रो रहा हूँ तो वो तुरंत ही वो सारी चीजों को छोड़ देता है और उसके अंदर एक प्रेरणा मिलती है कि चलो जो कुछ चला गया मैं उसको दोबारा पा लूंगा तो वो सब कुछ जितना भी परेशान होता है वो सब चीजें भूल जाता है झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा अब क्या सूरदास की मनोदशा बहुत ही खराब थी अब वो सा घीसु मिश थे तो क्या होता है झोपड़ी जलने के बाद सूरदास उसमें रखे अपने पैसों की पोटली ढूंढता है परंतु वह उसे राख में कहीं नहीं कहीं कुछ नहीं मिलता तब वह निराश होकर वहीं राख पर बैठ रोने लगता है तभी उसे घीसू की आवाज़ सुनाई देती है खेल में रोते हो घीसु की इस बात से सूरदास को जीवन का मर्म समझ में आता है कि जीवन एक खेल ही तो है जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वे हार जीत की परवाह ना करके खेल के अंत तक मैदान में डटे रहते हैं हिम्मत नहीं हारते फिर खेल में रोना कैसा खेल तो हंसने और दिल बहलाने के लिए है रोने के लिए नहीं घीसू के कथन को सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल जाती है अब वह आशा और विश्वास से भर कर झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है और विजय भाव के साथ दोनों हाथों से राख के ढेर उड़ाने लगता है अब क्या होता है भाई उसकी मनोदशा खराब थी घीसू मिठुआ की बात सुन के उसके अंदर फिर से विश्वास भर जाता है कि नहीं मैं जीवन के खेल में इस तरीके से मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता और वो फिर से झोपड़ी बनाने का प्रण करता है और हाथों से राख को उड़ाने लगता है जिस राख में बैठा वो रो रहा था उसी राख को वो दोबारा उड़ाने लगता है अब क्या होता है झोपड़ी के पुनर्निर्माण का प्रण वो लिखता है फिर से बोलता है तो क्या होता है अगले सूरदास का मन आशाओं से भर गया वे विजय श्री की खुशी के आवेग में आकर दोनों हाथों से राख उड़ाने लगता है देखते देखते मोहल्ले भर के बच्चे वहां जमा हो जाते हैं और वे इस खेल का मजा लेने लगते हैं कुछ समय बाद वह भूमि साफ हो जाती है मिठुआ के पूछने पर कि अब वह कहा रहेगा सूरदास कहता है कि वह नई झोपड़ी तैयार करेगा लोगों द्वारा बार बार जलाए जाने के पश्चात भी झोपड़ी निर्माण का कार्य करता रहेगा तो अब क्या होता है उसकी मनोदशा ये हो गई थी कि अब वो फिर से करेगा फिर से बनाएगा तो वो बहुत आवेग में आके वो जितनी राख होती है उड़ाने लगता है तो आसपास के बच्चे भी आ जाते हैं वो भी राख उड़ाने लगते हैं और देखते देखते वो पूरी जमीन साफ हो जाती है सब साफ हो जाती है तो अब मिठुआ जो रो रहा था वो सब चीज देख के वो अपने पापा से पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे तो सूरदास बोलता है कि हम फिर से झोपड़ी बनाएंगे और अगर बार बार भी लोग जलाते रहेंगे तो हम बार बार इस झोपड़ी को बनाते रहेंगे तो इस तरीके से ये कहानी खत्म हुई ये हमको ये प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में बहुत सी हार का सामना हम करते हैं पर ये नहीं है कि हम थक हार के परेशान होकर बैठ जाए हमें फिर से कोशिश करनी है फिर से आगे बढ़ना है और लिए नए रास्ते बनाने हैं तो चलिए इसी पाठ के कुछ प्रश्नों को और हम देखते हैं प्रश्न संख्या एक है सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे अब सूरदास की झोपड़ी में आग भैरों ने सुभागी के कारण ही लगाई थी सुभागी को जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो उसके मन में कैसे कैसे भाव उठ रहे थे ये आपको पूरा बताना है तो क्या था सुभागी जानती थी कि सूरदास की झोपड़ी उसी के पति भैरों ने जलाई है फिर भी वह सूरदास को सांत्वना देने के लिए सवेरे उसके पास जाती है उसे इसकी चिंता ना थी कि भैरू ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया क्योंकि उसे मालूम था कि लोग उसकी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे परंतु वह यह सोचकर चिंतित थी कि सूरदास पर आई विविधा के लिए वह और केवल वही उत्तरदायी है तो किस तरीके से वो जानती थी कि उसके पति ने आग लगाई है तब भी वो सांत्वना देने के लिए सुबह उसके पास पहुंचती है सब जा उसने चरित्रहीनता की भई सूरदास के साथ उसका चक्कर चल रहा है ऐसी चरित्रहीनता का उसने जो है भैरव ने आरोप भी लगाया था लेकिन वो सभी लोग जा, जानते थे कि भैरव कैसा व्यक्ति है कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वो इस चीज़ से भी परेशान थी कि ये जितना भी कुछ हुआ है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सुभागी जिम्मेदार है वह जगधर को वहाँ खड़ा देकर भयभीत भी थी कि कहीं वह उसे पकड़ ना न सुभागी सुभागी ने भैरव के घर कभी ना जाने का निश्चय कर लिया वह अब वह अकेले रहकर मजदूरी करके जीवन गुजारना चाहती थी वह ना तो भैरों के लिए खाना बनाने के लिए तैयार थी और ना अपनी बूढ़ी सास की की सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखने जिम्मेदारी ही निभाना चाहती थी वह सोचती थी कि जब उसके पति ने आज तक उसे खुश होकर धेले का सिंदूर तक नहीं दिया तो भला वह उसकी चिंता क्यों करे उसके लिए क्यों मरे इस प्रकार सुभागी भैरों और उसके घर को मन ही मन से त्याग चुकी थी अब क्या है उसने ये चीज़ का प्रण कर लिया था कि वो वापस जो है भैरों के घर नहीं जाएगी मजदूरी करके अपना पेड़ पेट पालेगी अपना गुजारा करेगी क्यों क्योंकि भैरव ने कभी भी उसके साथ प्रेम नहीं किया उसके कभी उसको खुशी प्रदान नहीं करी उसके कभी एक एक चुटकी सिंदूर लाकर उसको कभी नहीं दिया और वो सब उसको भैरों को खुश करने उसकी सास को खुश अपनी सास को खुश करने के लिए हर प्रयत्न करती रहती थी तो उसने निश्चय कर लिया कि अब वो वो वापस नहीं जाएगी इन सब होने के के बाद तो ये सभी मनोभावों साथ जूझ रही थी प्रश्न संख्या दो है सूरदास के व्यक्तित्व की तीन विशेषताओं पर सोधारण प्रकाश डालिए अब आपको यहाँ पर सूरदास की विशेषताओं के बारे में बताना है क्या है सूरदास सनमार्ग पर चलने वाला मानवोचित गुणों से परपूर्ण व्यक्ति था उसके व्यक्तित्व की तीन प्रमुख विशेषताएं इस तरह हैं मतलब वो सही मार्ग पे चलता था उसकी जितनी भी विचारधाराएं थी वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छी रहती थी अपने लिए तो रहती है भाई सभी की अच्छी दूसरों के लिए भी वो अच्छी विचारधारा रखता था तो क्या है पहली है सहृदयता नेत्रहीन होने के बावजूद सूरदास का हृदय बहुत बड़ा है उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता जब सुभागी को अपने घर में शरण देकर उसके पति भैरव से उसकी रक्षा करता है जबकि भैरव उसकी श्रद्धा का गलत मतलब निकाल कर उसे चरित्रहीन साबित कर उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है अब क्या है वो एक अंधा था भिखारी था भीख मांग कर अपने प्लेट को पालता था लेकिन जब भैरव सुभागी को मारता है और सुभागी बचते हुए उसके पास आती है उसकी मदद से तो उसकी मदद करता है अपनी झोपड़ी में छुपा देता है और इसके एवज में क्या होता है भैरों गलत गलत इल्जाम लगाता है और साथ ही उसकी झोपड़ी को भी जला देता है दूसरा है सहनशीलता सूरदास में सहनशीलता का गुण भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है भैरों के द्वारा झोपड़ी जलाने और उम्र भर की कमाई के रूप में जमा की गई रुपयों की पोटली चुरा लेने के बावजूद वह सब कुछ शांत रहकर सह लेता है मतलब अंत में जगधर आके उसको ये चीज बता देता है कि तुम्हारी झोपड़ी तुम्हारी झोपड़ी जो जलाई है वो भैरों ने जलाई है तुम्हारे रुपयों की पोटली भी भैरों ने ली है इसके बावजूद भी वो इन सब चीजों से इंकार कर देता है कि वो मेरी पोटली नहीं है और चुपचाप शांति से हर एक चीज को सहन करता रहता है तीसरी विशेषता है आत्मविश्वास सूरदास में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है झोपड़ी के राख हो जाने के बाद भी वह विजय पर्व मनाते हुए झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है मिठुआ के पूछने पर कि अब हम कहाँ रहेंगे झट से जवाब देता है दूसरा घर बनाएंगे यहां तक कि जब मिठुआ पूछता है कि जो कोई सौ लाख बार झोपड़ी जला दे तो वह सरलता से उत्तर देता है हम सौ लाख बार मनाएंगे तो उसके अंदर आत्मविश्वास था कि उसकी झोपड़ी जल गई तो चलो कोई बात नहीं है वो फिर से अपनी झोपड़ी को बना लेगा बेटू आप पूछता है अगर बार बार कोई जला देगा तो कहते हम बार बार अपनी झोपड़ी बनाएंगे तो उसके अंदर ये आत्मविश्वास है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं इसी के साथ वो कार्य करता रहता तो ये उसकी तीन विशेषताएं हमने देखी नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की झोपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए तो उसकी झोपड़ी पे आग किसने लगाई क्यों लगाई उसके बाद सूरदास की क्या कंडीशन थी ये आपको बतानी है तो क्या है सूरदास की झोपड़ी में आग भैरों ने लगाई क्योंकि वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था भैरों तथा तो उसकी पत्नी सुभागी में झगड़ा होने पर सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी भैरों ने वहां पहुंचकर उसकी पिटाई करनी चाही तो सूरदास के बीच बचाव करने के कारण वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका इस बात पर भैरों ने सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया और सारे गांव में सुभागी और सूरदास के बीच संबंध की चर्चा होने लगी इस घटना के बाद भैरव स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा वह सूरदास से बदला लेने के लिए उसे तड़पा तड़पता और रोता हुआ देखना चाहता था अतः उसने सूरदास को परेशान करने के लिए उसकी झोपड़ी में आँख लगा दी तो किस तरीके से वह सुभागी को मारता था भैरव उससे बचने के लिए सुभागी जो है सूरदास के यहाँ छिप गई फिर वो पहुंच गया सूरदास के घर सुभागी को मारने के लिए तो सूरदास उसे बचा लेता है इस बात से भैरव बहुत चिड़ जाता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि जो है सुभागी और सूरदास के बीच में संबंध है अब इस इस बात से जो है वो चिढ़ जाता है और इसी चिड़ में मधु सोचता है कि बस ये सूरदास की तरह रोए इसलिए उसकी झोपड़ी में वो आग लगा देता है प्रश्न संख्या चार है सूरदास की झोपड़ी कहानी आपको प्रिय है किन्ही तीन कारणों पर प्रकाश डालिए ये अब ये कहानी आपको पसंद आई इस पर आपको तीन कारण बताने हैं क्यों आपको ये कहानी पसंद आई है? तो देखिए सूरदास की कहानी विश्व प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद की कालजयी ये उपन्यास रंगभूमि का अंश है इस कहानी में पात्रों का ऐसा सजीव चित्रण किया गया है जैसे वे असली जीवन के किरदार हों इस कहानी के माध्यम से हमें निम्नलिखित संदेश मिलते हैं जिस कारण ये कहानी मुझे विशेष रूप से प्रिय है मतलब जो संदेश मिलते हैं उसी के कारण ये मुझे अच्छी लग रही है पहला कारण है कर्म पथ पर डटे रहना यानी कि जो हमारा कार्य है हम उस पथ पर डटे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं तो क्या है कहानी में सूरदास विषम परिस्थितियों में भी जीने की राह ढूंढ लेता है और समस्याओं का डटकर मुकाबला करता है इस प्रकार कहानी के माध्यम से हमें विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारकर कर्म पथ पर डटे रहने की प्रेरणा मिलती है तो सूरदास क्या है विपरीत परिस्थितियां यानी कि झोपड़ी जल गई सब कुछ उसके बारे में लोग कह है रहे हैं उसके बावजूद भी वो अपना कार्य करना यानी कि वो निश्चित करता है कि मैं दोबारा से झोपड़ी बनाऊंगा और यानी कि उसका जो कार्य है उसे वो करना है कोई कुछ भी कहता रहे कुछ भी होता रहे उससे मतलब नहीं है मेरा जो काम है मैं मैं वो करता रहूँगा नेक्स्ट है आत्मविश्वासी बनना वो बहुत ज्यादा आत्मविश् बनना भाई सूरदास था तो उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आत्मविश्वासी बनना चाहिए क्या है सूरदास की झोपड़ी जला दी जाती है उसके जीवन भर की कमाई लूट ली जाती है फिर भी वह सोचता है कि वह पैसे फिर से कमाएगा वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है इस प्रकार कहानी हमें आत्मविश्वासी बनने की सीख देती है मिठुआ के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूरदास का यह कहना कि कोई सौ लाख बार झोपड़ी जलाएगा तो वह सौ लाख बार उसे बनाएगा उसमें आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है यानी कि उसकी झोपड़ी जल गई पैसे हो गए लेकिन वो फिर से उन पैसों को कमाने अपनी झोपड़ी को बनाने और सौ लाख बार दोबारा बनाने की जो बात करता है इससे समझ में आता है कि वो आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति है और यही हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना चाहिए तीसरा है आशावादी बनना सूरदास झोपड़ी के जलने और रुपयों के खोने के गम में उदास होकर रोने लगता है पर घीसू के द्वारा मिठिया को मिठुआ को कही गई बात तुम खेल में रोते हो को सुनकर वह फिर से उत्साहित हो जाता है और उसे जीवन खेल की तरह लगने लगता है जिससे खिलाड़ी हार जीत के परे होकर अंत समय तक मैदान में डटे रहते हैं घीसू की इस कथन से प्रभाव के प्रभाव से वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है इस प्रकार कहानी आशावान बनने की प्रेरणा देती है तो ये कहानी हमें क्या आशावादी बनाता है कि मतलब हमें कभी भी अपनी होप नहीं खोनी चाहिए जैसे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है उसे लगता है कि अब आगे क्या होगा उसकी झोपड़ी जल गई पैसे चले गए तो वो बैठ कर रोने लगता है लेकिन घीसु और मिठुआ की बातें सुनकर उसे ये लगता है कि नहीं जब खेल में हम हार जीत का फैसला हुए बगैर अंत तक डटे रहते हैं तो हम अपने जीवन में क्यों पहले हार कर बैठ जाए अभी तो जीवन का अंत बहुत दूर है तो हमें फिर से उठना है और फिर से उसको ये आशा आती है कि नहीं हमें करना चाहिए मतलब वो अपनी होप को नहीं खोता तो उसी तरह हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में हमें बहुत सी हार जीत का सामना करना है लेकिन अपनी होप को हमें नहीं खोना चाहिए पहला है रूप सिंह का गांव के लिए प्रस्थान वो गांव आता है काफी सालों बाद रूप सिंह पूरे 11 वर्ष बाद अपने गांव माही जाने के लिए अपने मित्र शेखर कपूर के साथ जो उनके गॉडफादर कपूर साहब का पुत्र और आईएएस ट्रेनी है यानी कि जब रूप ने अपना घर छोड़ा था तो वो कहाँ चला गया था मसूरी चला गया था और मसूरी में जाकर उसने पर्वतारोहण एजेंसी में लोगों को पर्वतारोहण सिखाने का कार्य किया था वो एजेंसी किसकी थी ये वो थी कपूर साहब की उन्हीं का पुत्र है शेखर कपूर जो आईएएस ट्रेनी है यानी आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है बस से देवकुंड स्टॉप पर उतरता है वहीं से माही पंद्रह किलोमीटर दूर है मतलब उन्हें देवकुंड उतरना है और फिर पंद्रह किलोमीटर उन्हें आगे जाना है माही गांव के लिए आज भी वहां जाने के लिए सड़कें ना थी और पर्वतों के दुर्गम रास्तों को पार करके ही वहां जाया जा सकता था रूप सिंह शेखर को पैदल गांव ले जाना अपनी व गांव की तोहन समझता था क्योंकि वह जानता था कि पैदल चलकर कर दस हज़ार फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सुबह से शाम हो जाएगी अब क्या था वो वहां पहुंच जाता है और देवकुंड के बाद उसके गांव जाने के लिए अभी भी रास्ते नहीं थे अब उसे पर्वतों के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चढ़कर अपने गाँव तक पहुँचना था वहाँ तक कोई कन्विंस नहीं जा सकता था अब वो सोचता कि मैं अपने फ्रेंड को लेकर आया हूँ तो पैदल लेके कर जाऊँगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए वो जो है ना वो और दूसरा बात ये थी कि वहां से दस हजार फीट की ऊंचाई पे जाना था अगर वो अभी शुरू करते तो उनको सुबह से लेके शाम लग जाती इतनी इतना डिस्टेंस पार करने में शेखर अपनी दूरबीन से पहाड़ों के सौंदर्य का अवलोकन कर अपनी आंखों को तृप्त कर रहा था इसी बीच चाय पीते हुए रूप सिंह चाय वाले से पूछता यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या चाय वाले के कहने पर वहीं पत्थरों की सीढ़ियों पर अकेला बैठा महीप कुछ ही देर में दो घोड़ों लिए वहां पहुंचता है अब क्या है शेखर दूरबीन से सारे पहाड़ों के नज़ारे ले रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं तो चाय वाले से पूछता है कि भाई घोड़ा मिल जाए चलने के लिए तो वहीं पे महीप बैठा होता है और महीप थोड़ी देर में वहाँ पर दो घोड़े लेकर आ जाता है शेखर शेखर कपूर के पास में और रूप सिंह के पास में पर्वतीय यात्रा का प्रारंभ अब देवकुंड बस स्टॉप से उन्हें माही गांव तक जाना था इस यात्रा का अभी लोग शुरुआत करते हैं क्या होता है घोड़ों पर सवार होकर दोनों मित्र पहले पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं महीप शेखर के घोड़ों के साथ साथ पैदल आगे बढ़ता है ठीक ठाक रास्ते वाले इस पहाड़ से उतरने के बाद चढ़ाइयों ढलानों के बीच धूप चाव का खेल शुरू हो जा गया पहाड़ों पर जहां तहां बने घर कुकुरमुत्ते से प्रतीत हो रहे थे सामने बादलों से घिरे पहाड़ नीचे बहती सूपनी नदी ये और उसके आस पास की हरियाली के मध्य स्थानीय भाषा में किसी स्त्री के मधुर कंड से गाए जाने वाले लोकगीत को सुनकर दोनों मित्र मंत्र मुद्द मंत हो गए तो अब क्या होता है जब ये लोग घोड़े पे बैठकर शुरू करते हैं चढ़ाई तो कभी भाई चढ़ाई है कभी ढलान है कभी चढ़ाई है कभी ढलान है ऐसे ऐसे पहाड़ों पे जाना था तो अब धूप भी आ रही है छाव भी आ रही है तो पूरे नज़ारों का आनंद लेते हुए लोग जा रहे थे इधर उधर कहीं घर बने थे तो जैसे लग रहा है कुकुर मुत्ते जो मशरूम सूखते हैं ना पहाड़ों पर उस तरीके से प्रतीत हो रहे थे सारे नजारे इसी बीच में कुछ स्थानीय औरतें जो हैं गाना गाती सुनाई देती हैं तो वो और भी अच्छा हो अच्छा माहौल बना देते हैं तो इन सभी का आनंद लेते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे होते गीत में घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कोहरे की पहाड़ियों में ना लगने का अनुरोध कर रही है और प्रतिक्रिया स्वरूप कोहरा उसे पहाड़ों में ना जाने की सलाह दे रहा है कोरा हिलांस पक्षी से भी पहाड़ियों में ना बसने की बात कर रहा है रूप सिंह शेखर को गीत का अर्थ समझाता है और अपने बचपन की यादों में खो जाता है अब वो पहाड़ी भाषा से अवगत था रूप सिंह शेखर नहीं जानता था तो रू रूप सिंह जो है वो जो लड़की गाना गा रही थी उसको ट्रांसलेट करता है क्या ट्रांसलेट करता है वो कहता है कि गीत से वो घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की यानी कि जो पहाड़ी लड़की है वो गीत द्वारा कोहरे को पहाड़ी में ना लगने का अनुरोध करती है कि कोहरे से बोल रही है कि तुम पहाड़ी पर नहीं आओ और कोहरा क्या बोल रहा है लड़की से कि तुम जो है वो पहाड़ों पर मत जाओ ये होता है और कोरा हिलांस पक्षी को भी पहाड़ी पर नहीं बसने का अनुरोध करता है कि तुम यहाँ पर बसोगे तो तुम्हारा घर भी तबाह हो सकता है इसलिए तुम भी यहाँ पर मत बसो तो इस तरीके से वो सब ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है भूप दागा दादा को धक्का देना अब रूप सिंह ने एक बार बचपन में अपने भूप दादा को धक्का दिया था जब वो रास्ते में जा रहा होता तो वो जगह पड़ती है और वो देख उसको वो सारा याद आ जाता है तो क्या वाक्य था देखते हैं रूप सिंह चलते चलते अचानक उस जगह ठहर जाता है जहां उसने अपने बड़े भाई भूप दादा को को धक्का दिया था वह शेखर बचपन की उस घटना से अवगत कराता है जब एक बार वह घर से भाग कर देवकुंड चला गया था और भूप दादा उसे खोजकर इसी रास्ते से हाथ पकड़कर उसे घर ले जा रहे थे इसी स्थान पर उसे अपने भैया को छुटकारा पाने के लिए उन्हें धक्का दे दिया था वह भूप दादा के साथ ढलान से लुढ़कते हुए एक पेड़ पर जा अटका था जिससे दोनों की जान बच गई वहां से ऊपर सुरक्षित स्थान पर आकर भूप दादा ने उसकी और अपनी खरोंचों पर पत्तों का रस डाला था भूप दादा इस घटना के लिए खुद को कसूरवार समझ रहे थे उन्हें लग रहा था यदि उन्होंने रूप सिंह का हाथ ना पकड़ा होता तो वह गिरने से बच जाता इस घटना के बाद उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया था वहीं वही खड़ा चुपचाप रूप सिंह की बातें सुन रहा था अब क्या था रूप सिंह जो है ना एकदम रास्ते से जा रहा था भाई रास्ता था देवकुंड से लेके उसके घर तक का तो रास्ते में एक जगह ऐसी पड़ती है कि वो वहां पे ठहर जाता है उसे अपने बचपन का एक वाक्य याद आ जाता है जहां पर उसने अपने दादा भूप सिंह दादा ने मतलब बड़े भाई को धक्का दे दिया था एक बार ऐसा हुआ कि वो अब ये सारा वाक्य जो है वो अपने दोस्त शेखर कपूर को बताता है क्या बोल रहा होता है कि एक बार बचपन में जो है रूप सिंह अपने घर से भाग कर माही गाँव से भाग के देवकुंड आ गया था जहाँ पे वो लोग उतरे थे बस से वहाँ आ गया तो रूप भूप दादा जो जो हैं वो उसको खोज कर देवकुंड से अपने गांव इसी रास्ते से लेकर जा रहे थे फिर वो जगह दिखाता है जहाँ पर उसने जो है ना अपने दादा को धक्का दे दिया था अब धक्का देने के कारण क्या हुआ वो लोग गिरे ढलान थी नीचे गिर जाते नीचे, नीचे पहाड़ में से नीचे गिर जाते तो मर जाते मगर क्या हुआ एक पेड़ था उस पेड़ के सहारे दोनों गए जाके और उनकी जान बच गई फिर रूप और भूप दोनों ऊपर आते हैं जितनी खरोचे वगैरह लगी होती है उस पर भूप दादा रस लगाते हैं पत्तों का रस जिससे जो औषधि के काम आता है फिर अब इन सब के लिए जो है अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे कि अगर मैंने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद रूप नीचे नहीं गिरता मैं गिर गया तो गिर गया जाने दो लेकिन रूप तो बच जाता उसको चोट नहीं आती जब ये सब होने के बाद जब ऊपर आए तो भूप ने अब उनका हाथ छोड़ दिया था कि अब तुम जो है आ, बिना हाथ पकड़े चलोगे अब जब ये सारी कहानी सुना रहा था तब महीप ये सारी कहानी वहां पे खड़े होके सुन रहा था तब उसे ये चीज पता चलती है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा चाचा है यानी कि रूप सिंह जो है उनका चाचा है ये महीप को पहली बार पता चलता है पर्वतारोहण की बातें अब ये चूंकि एक तरीके से पर्वतारोहण तो कर रहे थे तो ये क्या क्या हुआ था इस बात पे वहां से आगे बढ़ने पर दोनों मित्र पर्वतारोहण पर चर्चा करने लगते हैं वही समय वो पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे रूप सिंह भी पर्वतारोहण कंपनी में ही काम करता था तो वस्तुता भूप दादा के साथ घटी उत घटना के एक वर्ष बाद रूप सिंह की भेंट शेखर के पिताजी से हुई थी जिसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई रूप सिंह ने पर्वतारोहण की शिक्षा शेखर के पिता से ही पाई थी शेखर द्वारा रूप सिंह ने उसी समय पहाड़ पर चढ़ने की तकनीक के विषय में पूछने पर वह उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसी से यह प्रश्न पूछ लेता है जिस पर वह एक परीक्षार्थी की तरह पहाड़ पर चढ़ने के सिद्धांतों को याद करके रूप सिंह को पहाड़ पर चढ़ते की तकनीक बताने लगता है तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों पर्वतारोहण पे जो है आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई हमने सीखा तो वो बताते हैं कि जो ये घटना घटी गिरने की इसके एक वर्ष बाद ही जो है ए वो शेखर कपूर के पिताजी से रूप सिंह की मुलाकात हुई थी और उन्होंने ही पर्वतारोहण की पूरी नॉलेज रूप सिंह को सिखाई थी तो ये डिस्कशन चल रहा होता है दोनों में वार्तालाप होती है प्रश्न-उत्तर होता है तो किस तरीके से रूप सिंह पूछता है कि भाई कैसे सीखा तो इसके बदले में शेखर कपूर खुल उल्टा रूप सिंह से पूछ लेता है कि आखिर इसकी तकनीक बताओ तो पर्वतारोहण के संबंध में रॉक पिटन एंकर रो प्लैंडर गा, गार्डेलिंग फ्रीलिप फ्री पैलिंग आदि की चर्चा करते करते दोनों मित्र पहाड़ से सटे मार्ग पर आ पहुंचे जहां चलने में थोड़ी सी भी भूल करने का अर्थ था नीचे बहने वाली संकरी नदी में गिरना शेखर डर के मारे घोड़े से उतरना चाहता था पर महिप ने उसे ऐसा करने से रोक दिया अब ये लोग पर्वतारोहण के जो जटिल शब्द होते हैं उनके सारे डिस्कशन करते हुए चल रहे थे एकदम से ये लोग एकदम सखरे रास्ते पर आ गए कि अगर जरा सा डिसबैलेंस हुए तो नीचे संकरी नदी बह रही थी उस पर तो मना किया कि नहीं घोड़ों हीरू और वीरू को पुचकारता हुआ संभल संभल कर आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा था तभी सामने से भेड़ों के साथ भोटिया कुत्ते को आता देखकर दोनों मित्रों को घोड़े से उतरना पड़ा अब क्या हुआ महीप ने मना कर दिया कि नहीं आपको नहीं उतरना है लेकिन जो है वो आराम से पुचकारता दोनों घोड़ों के लिए इन सामने से भेड़ों को खदेड़ने के लिए पहले लोग नहीं कुत्तों को ट्रेन किया जाता है माँ तो भोटिया कुत्ते उनको बोला जाता है वो भेड़ों को लेके आ रहे थे तो अब जब इतने सारी भेड़े आ रही हैं तो हार कर उन लोगों को घोड़े से उतरना पड़ा अब वो लोग को पैदल चलना था रूप का शैला से प्रेम अब शैला जो महीप की माँ है और भूप सिंह की वाइफ रूप भी उसको बहुत पसंद करता था तो ये कैसे हुआ ये देखिए महीप की नजरें खतरनाक कुत्ते पर थी और दोनों मित्रों की भेड़े हाँक रही सलोनी लड़की पर महीप क्या है वो कुत्तों पर ध्यान रखे था और दोनों दड़... दोनों जो मित्र थे रूप सिंह और शेखर उन भेड़ों के साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की थी उन दोनों की नजरें उस लड़की पर थी शेखर की पूछने पर क्या उसने कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी है रूप सिंह अपने पुराने दिनों को याद करता हुआ शैला का उल्लेख करता है जो उससे उम्र में काफी बड़ी थी पर उससे मन ही मन प्रेम करता था वह बताता है कि उसे बाद में पता चलता है कि शैला उससे नहीं बल्कि उसके भूप दादा से प्रेम करती है तो शेखर पूछता है क्या तुमने भी कभी प्रेम किया था तो वो बताता है कि हाँ एक लड़की थी शैला मैं उससे प्यार करता था लेकिन वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसके बड़े भाई भूप से प्यार करती होती है शेखर को यह सब बताता हुआ वह उस छोटे से मैदान को ढूंढने लगा जहां वह भेड़े चराया करता था लेकिन महीप उसे बताता है कि अब वह मैदान पहाड़ में धंसने से दब गया है रूप सिंह अपनी प्रेम की निशानियों को खोज खो कर दुखी होता है शेखर द्वारा वहां के दृश्य अत्यंत मनमोहक कहने पर वह शेखर से कहता है कि पांडव इसी मार्ग पे मार्ग से स्वर्ग गए थे सुरगी सुर्ग, यानी स्वर्ग इसी क्षेत्र का आखिरी गांव है और उसके थोड़े आगे स्वर्गारोहिणी है और वह महीप के विषय में सोचने लगता है तो अब क्या होता है वो उसने बताया कि भाई शैला से वो प्यार करता होता है लेकिन वो शैला जो है भूप से प्यार करती होती है फिर वो वो मैदान खोजने लगता है जहाँ पर वो यानी कि रूप सिंह भेड़े चराया करता था लेकिन वहीं बताता है कि कुछ दिन कुछ साल पहले पहाड़ धस गया था इस कारण से वो मैदान जो है गायब हो गया अब वो वहीं पे क्या कहते हैं भेड़ चढ़ाता था वहीं वो शैला को देखता था तो वो उसके प्यार की निशानी थी वो सब खो गया था तो उससे बहुत दुखित था लेकिन शेखर जो है उसके फ्रेंड जो है वो आसपास के सभी मनमोहक दृश्यों का नज़ारा ले रहे होते हैं और फिर उसके बाद रूप सिंह बताते हैं कि जो पांडव हैं इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे यानी कि ये और आगे ही स्वर्गरोहिणी जो है गांव है और वो आखिरी गांव है ये बताया जाता है फिर उसके बाद ये बता हुए वो महीप के बारे में सोचने लगता है महीप को लेके जा रहा था भाई वो आदमी ये तीन तीन ही लोग तो चल रहे थे तो वो महीप के बारे में सोचने लगता है रूप महीप की उदासीनता अब महीप के वह यह कहकर दोनों मित्रों को चुप करा देता है कि साहब बात मत करो रास्ता बहुत ही खराब है वस्तुतः शेखर महीप के द्वारा इतनी छोटी उम्र में लैंडस्लाइड वाले खतरनाक रास्तों से होकर इतनी दूर आने जाने को लेकर चिंतित था तो वो पूछता है कि भाई तुम्हारे घर में है कौन है तो बताने में कहता है कि आप चुप रहिए रास्ता बहुत खतरनाक है और शेखर और रूप इसलिए टेंशन में थी कि भाई लड़का छोटा है और इतने लैंडस्लाइड वाले जगह पे ये ऐसे काम कर रहा है क्या इसके घर में कोई चिंतित नहीं होता है आगे बढ़ने पर जब घोड़े झरने पर बहता पानी पीने लगते हैं तब महीप भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है इस क्रम में दोनों मित्र घोड़ों से उतर जाते हैं रूप शेखर को बताता है कि जब वह महीप की उम्र का था तब कपूर साहब ट्रेनिंग के लिए इधर आए थे अब आगे जाकर थोड़ा सुस्ताते हैं भाई घोड़े भी सुस्ताते हैं वो भी पानी पीते हैं महीप भी पानी पीता है दोनों उतर जाते हैं तो बताते हैं कि भाई जब रूप सिंह बताता है कि मैं जब महीब की उम्र में था ना तभी उनके पिता उन्हें मिले थे और उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया था उनके राह भटक जाने पर उसने उन्हें पहाड़ पहुंचाया था और वह उनसे खुश होकर उसे अपने साथ मसूरी ले गए थे तो एक बार जब पहली बार मिले थे ना तो इन्हीं रास्तों पे मिले थे और वो अपना रास्ता भटक गए थे तो रूप सिंह ने उन शेखर कपूर के पिता को रास्ता दिखाया था इस बात से शेखर कपूर बहुत खुश शेखर कपूर के जो पिताजी हैं ना वो बहुत खुश हो गए थे और फिर वो उनको मसूरी ले गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने ट्रेनिंग दी थी महीब के कहने पर दोनों घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं वहाँ से माही डेढ़ किलोमीटर दूर था रूप गांव के जितना करीब पहुंच रहा था उतना ही वह अपने बाबा माँ भूप दादा सहित घर खेत केदार काठा और दुर्योधन जी के मंदिर को याद कर भावुक होता जा रहा था अब जहां पे ये लोग रुके थे सुस्ताने से वहां से जो है डेढ़ किलोमीटर माही गांव था माही बोलता है आप लोग घोड़े पे बैठ जाइए वो लोग घोड़े पे बैठ जाते हैं अब धीरे धीरे जैसे ही रूप सिंह अपने गांव के करीब पहुंच रहा था तो उसे सब लोग याद आने लगे माँ पिताजी उनका घर आस के मंदिर दादा तो सब उसको याद आ रहा था और वो बहुत ही भावुक होता जा रहा था इमोशनल होता जा रहा था अब क्या माही गांव में प्रवेश अब जो माही पहुंचना था अब ये माही गांव में जैसे प्रवेश होता है तो वहां पर क्या होता है गांव में पहुंचे दो अनजान व्यक्तियों को देख कर, कुछ लोग वहां जमा हो गए रूप सिंह एक एक कर उन चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था दोपहर के तीन बज चुके थे रूप सिंह ने दस दस के बारह नोट थमाते हुए महीप को रात भर वहीं रुक जाने के लिए कहा मगर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चल पड़ा रूप सिंह एक बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि यहाँ ग्यारह साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे जिनके भूप सिंह और रूप सिंह दो दो बेटे थे तो अब क्या होता है गांव पहुँच गए उस समय करीबन तीन बजा था उसने दस दस के जो हैं बारह नोट जो है उनको थमाए किसको दस दस के बारह नोट आपके कितने हो जाएंगे एक सौ बीस रुपये हो जाएंगे तो वो एक सौ बीस रुपये उसने महिब को दिए और कहा कि तुम रात में ये ठहर जाओ रात बहुत हो गई अब रात हो जाएगी कहाँ नीचे जाओगे तो वो मना कर देता है और वापस चला जाता है अब जो है वहाँ रूप सिंह उतरता है तो जो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे इन दो अनजान लोगों को देख के तो उनसे पूछता है एक बूढ़े व्यक्ति से कि यहाँ पे राम सिंह यानी कि जो भ्रूप और भूप के पिताजी थे यहाँ रहा करते थे उनके दो बेटे थे रूप सिंह भूप सिंह अब वो कहाँ रहते हैं तो बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा रूप ने यही बात जब गढ़वाली में कही गढ़वाली भाषा में जब उसकी कही पहाड़ी भाषा में तब तब बूढ़े ने उसे बताया कि रूप सिंह तो बहुत पहले भाग गया इस पर वह उन्हें पहचानते हुए अपना परिचय देकर कहता है कि आप दादा त्रिलोक सिंह जी हैं और उनके पांव छूने लगता है तो अब जब उनको हिंदी में समझ में नहीं आया तो गढ़वाली भाषा में बोला तो उन्होंने बोला कि रूप सिंह तो बहुत पहले भाग गया तो फिर वो रूप सिंह जो है बूढ़े व्यक्ति को पहचान जाता है और बोलता है कि आप त्रिलोकनाथ जी हैं तो उन्होंने त्रिलो, त्रिलोक सिंह जी हैं तो उन्होंने बोला कि और उनके पैर छूने लगता है वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति के पूछने पर कि आप इतने दिन कहाँ थे वहां उन्हें अपने पर्वतारोहण संस्थान में कार्य करने के विषय में बताता है अब में काम कर रहा था त्रिलोक सिंह की शांत करने के लिए रूप उन्हें अपने रोजगार और वेतन की जानकारी देता है परंतु त्रिलोक सिंह को विश्वास नहीं होता कि सरकार सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसी को चार हजार रुपए वेतन देगी अब त्रिलोक सिंह पूछे तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम नौकरी करते हैं हमको चार हजार वेतन मिलता है तो त्रिलोक सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कोई खाली सरकार जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए लोगों को चार हजार रुपये का वेतन देगी चार हजार रुपये खाली पहाड़ चढ़ने के लिए उनका क्योंकि उनको था पहाड़ चढ़ना उतरना उन लोगों का रोज का काम था खाली उतरने चढ़ने के लिए इतना पैसा देना इसलिए उनको त्रिलोक सिंह को ताजुब हो रहा था माता पिता के निधन की सूचना अब वो इतने साल बाद आया था तो उसे अपने माँ बाप के निधन की सूचना मिलती है कैसे रूप सिंह उनसे अपने घर जाने की अनुमति मांगता है लेकिन त्रिलोक सिंह द्वारा उसके घर के उजड़ने व माता पिता के निधन के बारे में बताने पर वह उदास हो जाता है भूप के विषय में पूछने पर वहाँ खड़ी एक औरत उनके जीवित होने उनकी पत्नी व बेटे महीप के विषय में बताती है तो अब क्या है रूप सिंह जो है वो घा बोलता है कि अब ठीक है हम आपसे मिल लिए अब घर जाते हैं तो त्रिलोक सिंह को बता देंगे उनका घर पूरा जो है भूस्खलन हुआ था उसमें लैंडस्लाइड हुआ था उसमें दब गया उसके माँ बाप मर गए उसी में दब के फिर वो बड़ा अफसोस होता है उसे घर भी नहीं है माँ पिताजी भी नहीं है तो फिर वो अपने दादा के बारे में तो फिर एक औरत बताती है कि नहीं हाँ वो हैं उनकी पत्नी के बारे में उनके बेटे महीब के बारे में बताती है महीब के विषय में पता चलने पर रूप सिंह व शेखर हैरान होते हैं जब महीब के बारे में पता चलता है तो भाई इतने रास्ते जो लड़का मुझे लेकर आ रहा था वही मेरा भतीजा था तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं रूप सिंह उसे देखने के लिए मुड़ता है लेकिन वह वहाँ से जा चुका होता है वो ढूंढते हैं लेकिन वो तब तक चला गया शाम होने वाली थी त्रिलोक सिंह रूप सिंह को सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाने के लिए कहता है जहां भूप सिंह का घर था पर वह पत्थर खूंटी रस्सी कुल्हाड़ी आदि के ना होने की व्यवस्था जाहिर करता है जिस पर वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते हैं क्योंकि उनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना सामान्य बात थी अब वो महीप को देखते हैं तो वहाँ जा चुका होता है अब शाम होने वाली अंधेरा होने पहाड़ों पे अंधेरा होने से मतलब अपने अपने घर पहुँच जाइए क्योंकि उसके बाद रास्ते दिखते नहीं है तो बोलते हैं भाई अंधेरा होने वाला है सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे भूप सिंह का घर है तुम यहाँ पर चढ़ जाओ चले जाओ अब वो उसके पास पर्वता पर्वतारोहण करने के जो औजार थे वो थे ही नहीं तो वो बोलता कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा तो सभी लोग हंसने लगते हैं कि भाई उन क्यों हंसते हैं क्योंकि उनके लिए तो पहाड़ पे चढ़ना उतरना एकदम नॉर्मल डेली रूटीन का बात थी और इनको यहाँ जब तक औजार नहीं है तब तक ये चढ़ नहीं सकते हैं तो ये सभी लोग सोच के वहाँ पर हंसने लगते हैं रूप और भूप का मिलन फिर किस तरीके से दोनों भाइयों का मिलन होता है क्या होता है इसी बीच भूप सिंह वहां आते हैं गोरे चिट्टे चित्तीदार चेहरे और भावों पर कटे निशान वाले भूप अब और भी ठोस और सख्त लग रहे थे रूप उनके चरण स्पर्श करता है दोनों भाई एक दूसरे को पाकर खुश होते हैं रूप सिंह उन्हें शेखर से परिचित करवाता है वह उनके नमस्कार का जवाब ना देते हुए बिना किसी गाँव वाले से बात किए उन दोनों मित्रों के बैग उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं अब इसी बीच जो है पहाड़ से उतर कर तब तक वहाँ पे भूप सिंह आ चुके होते हैं दोनों भाई मिलते हैं रूप सिंह उनका पैर छूते हैं बड़े ही कठोर व्यक्ति लगते हैं वो देखने में पेरेंट्स जैसे लगते हैं शेखर से उनकी पहचान कराता है मगर वो कोई जवाब नहीं देते ना ही किसी से कोई बात करते हैं वो सीधे वो दोनों के बैग्स उठाते हैं और पहाड़ की तरफ चल देते हैं मतलब घर की तरफ चल देते हैं चढ़ाई का प्रारंभ अब जो है ना भूप सिंह का घर है हिमांग पर्वत पे था अलग तो अब उसके लिए अलग चढ़ाई करनी थी तो अब ये चढ़ाई कैसी हुई देखिए घर, घर, तो घर था रूप और शेखर पेड़ और पत्थरों के सहारे पहाड़ पर कुछ ऊपर तो गए किंतु अब और ऊपर चढ़ने की ताकत उनमें नहीं थी थोड़ा थोड़ा पकड़ के तो चढ़े मगर अब आगे वो नहीं क्योंकि एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई थी अब वो आगे नहीं चढ़ पा रहे थे दोनों को रुका हुआ देखकर भूप उनके पास आकर अपनी कमर में मफलर बांध कर रूप को वो उसके दोनों छोरों को पकड़ने के लिए कहते हुए शेखर को आश्वस्त करते हैं कि कुछ ही समय बाद वह उसे भी ऊपर ले चलेंगे अब वो चढ़ नहीं पा रहे थे तो भूप भूप सिंह पलट के देखते हैं कि नहीं है तो उनके पास मफलर था मफलर को कमर में बांधते हैं और बोलते हैं कि दोनों छोरों को मतलब ऐसे करके रखते हैं और दोनों छोर पीछे होते कहते हैं रूप से कि तुम इनको आराम से अच्छे से टाइटली पकड़ लो और चढ़ो मेरे साथ में और शेखर से बोलते हैं कि तुम यहीं रुको मैं अभी तुमको दोबारा लेने के लिए आऊंगा पहाड़ पर चढ़ने के क्रम में उन्होंने कई बार मफलर को जोर से पकड़ने रहने की हिदायत भी दी ताकि नीचे सूपनी नदी में गिरने का खतरा ना रहे चढ़ाई के दौरान भूप दादा जिस धैर्य आत्मविश्वास बल और कुशलता के साथ मांसपेशियों व अंगों का उपयोग कर रहे थे उसे देखकर रूप को लग रहा था कि भूप दादा छिपकली बनमानुस या फिर रोबोट में से क्या है अब क्या है जब वो पहाड़ पहाड़ पर चढ़ रहे थे रूप को पीछे मफलर बांध के चढ़ा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मफलर टाइटली पकड़े ना क्योंकि अगर छूटेगा तो तुम सीधे नीचे सुपरी नदी में जाकर गिरोगे तो जिस तरीके से भूप सिंह चढ़ाई चढ़ रहे थे एकदम फुर्ती से धीरे से हर एक कदम बैलेंस्ड आराम से चढ़ते हुए जा रहे थे तो रूप सिंह को ये लग रहा था कि ये किसी छिपकली बनमानुस या रोबोट कैसे हैं ये जो इस एज में भी इतनी फुर्ती और दृढ़ता के साथ इतनी आसानी से ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं चढ़ाई पर चढ़ते हुए घंटे भर में दोनों भाई ऊपर पहुंच जाते हैं फिर घर की ओर आवाज़ लगाकर कर भूपदाता शेखर को लाने के लिए नीचे की ओर चले जाते हैं एक घंटे की चढ़ाई के बाद भूप सिंह रूप सिंह ऊपर घर पे पहुंच जाते हैं वहां पर पहुँच घर में अंदर आवाज लगाते हैं और वापस पलट के वो शेखर को लेने के लिए नीचे चले जाते हैं भाभी के दर्शन अब पहली बार भाभी के दर्शन होते हैं ये शैला नहीं है ये दूसरी स्त्री है याद रखिएगा शैला आत्महत्या कर चुकी है जिसकी वजह से महीप उसको छोड़ के चला गया था तो भाभी के दर्शन यहाँ पर वो शैला नहीं है जो दूसरी स्त्री लेकर आया था भूप सिंह ये वो है पहाड़ के ऊपरी समतल भाग पर मकई की फसल सेब और देवदार के वृक्ष लगे थे उस क्षेत्र की परिक्रमा करने के दौरान रूप की नजर एक गुफा नुमा आश्रम पर जाती है जिसके पास ही दो झोपड़ियां भी थी वहीं एक छप्पर के नीचे एक स्त्री खड़ी थी जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि शायद यह उसकी भाभी हो पर वह आगे बढ़कर उस झरने को देखने लगता है जो सूपनी नदी में गिरता था तो अब क्या है वो ऊपर पहुंचता है सब तरफ समतल जरा पहाड़ के ऊपर समतल एरिया होता है वहाँ पे चारों तरफ मुआयना कर रहा होता है वहीं पे एक दो झोपड़ियाँ बनी होती हैं गुफा के टाइप पे तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है वो सोचता है कि मेरी भाभी है लेकिन अब चूंकि परिचय नहीं हुआ है जानते नहीं है तो वो संकोच बस उस दूसरी तरफ झरने को देखने लगता है वो झरना जो नीचे नदी में गिर रहा होता है इसी बीच शेखर के साथ भूप दादा भी वहां पहुंचते हैं अभी वो इतना अवलोकन कर ही रहा होता है कि वो भूप सिंह शेखर को लेकर ऊपर आ जाते हैं उसके उनके द्वारा बताए जाने पर रूप अपनी भाभी के चरण स्पर्श करता है फिर दो मित्र खाना खाकर सो जाते हैं उस रात खूब वर्षा हुई धुंध में ए निकले हुए लाल रंग के सूरज के कारण वहां नीचे बसा माही गांव अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा था प्रातः भ्रमण के बाद दोनों मित्रों ने भूप दादा के साथ बैठकर नाश्ता किया भाभी भुट्टे सेक कर दिए जा रही थी और दोनों मित्र और भूप दादा भुट्टे खाए जा रहे थे अब वो जब शेखर को लेकर पहुंचते हैं तो फिर भूप दादा जो हैं पूरा इंट्रोडक्शन कराते हैं उस स्त्री से कि ये तुम्हारी भाभी है वो चरण स्पर्श करते हैं दोनों लोग आराम से खाना वाना खा के सो जाते हैं उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई होती है फिर सुबह उठ के धुंध है लाल सूरज है बहुत ही सुंदर नीचे क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर थे माही गाँव नीचे था देखते हैं तो बहुत सुंदर लग रहा होता है सुबह सुबह फिर घूम फिर के जो है नाश्ता करते हैं रूप सिंह भूप सिंह और शेखर वो भुट्टे उनकी भाभी सेक सेक के दे रही थी और वो तीनों ही भुट्टे खा रहे थे प्रकृति का तांडव चिड़िया और गीत की कहानी किस तरीके से प्रकृति का तांडव हुआ था उसका घर माता पिता सभी मर गए थे और गीत की कहानी जो भूप सिंह सुनाते हैं क्या है रूप के पूछने पे कि भूप दादा ने पहाड़ पर आप, आकर बसने का के कारण का उल्लेख करते हुए बताया कि उसके जाने के बाद अगले वर्ष किस प्रकार भीषण बर्फबारी हुई थी जिसमें हिमांग पहाड़ धस गया था जिसमें उसके खेत घर और परिवार सब कुछ दब गया और वह छप्पर पर रहने के कारण बच गए थे भूप दादा ने यह भी कहा कि यदि उस समय उन्हें रूप का साथ मिलता तो वे मलवे मलबे को हटा कर ना सिर्फ अपने खेत बल्कि माँ बाबा को भी निकाल लेते तो रूप सिंह ने बोला कि पहले तो हम लोग नीचे माही गांव में रहते थे आपने इतने पहाड़ पे ऊपर आकर क्यों रहा तो उन्होंने कारण बताते हुए बोला कि तुम्हारे जाने के एक साल बाद बहुत भारी बर्फबारी हुई इस जिसके कारण ये जो पहाड़ है ये धस गया धसने के कारण जो है इनका पूरा घर माँ बाप सब दब गए ये छप्पर पे थे यानी कि पहाड़ के ऊपर थे इसलिए ये बच गए थे तो फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया अगर तुम साथ होते तो शायद हम घर भी बचा लेते अपने माँ बाप को भी बचा लेते सब कुछ बचा लेते तो इस चीज़ का अफसोस भी बताया कि तुम नहीं थे रूप की भाभी चाय लेकर आती है भूप दादा चाय पीते, पीते पीते बाबा के द्वारा कही गई गीत और नन्ही चिड़िया वाली उस कहानी का उल्लेख करते हैं जिसमें गीत ने शर्त रखी थी कि वह उससे ऊंचा उड़कर दिखाए तो अब यहाँ पर जो है ना रूप की भाभी चाय लाती हैं तो अब वो बताते हैं कि तुम्हें ऊपर आकर क्यों रहा क्या कारण था कि ऊपर रहे तो इसके लिए उनके पिताजी राम सिंह जो है कहानी सुनाया करते थे गिद्ध और चिड़िया की गिद्ध ने शर्त रखी थी चिड़िया जो है उनसे ऊपर उड़ के दिखाएगी तब वह उसे छोड़ देगा नहीं खाएगा और तब चिड़िया ने जी जान लगाकर उड़ान भरी और आकाश में तेजी से ऊपर जाते हुए गिद्ध की पीठ पर जा बैठी यह कहानी सुनाकर वे कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया मौत की पीठ पर जा बैठी उसी प्रकार वह भी उसी पहाड़ पर आ बस आ बस गए जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था तो अब क्या होता है कि वो कहानी जो राम सिंह सुना रहे थे ना वही कहानी सुनाते हैं कि गिद्ध ने शर्त रखी कि जो है तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा बस अगर तुम मुझसे ऊंचा उठ कर दिखाओगे तो चिड़िया भी जी जान लगा के एक बार में खूब तेज़ी उड़ान भरती है और गिद्ध की पीठ पे जाके बैठ जाती है तो अब वो अपनी मौत की पीठ पर बैठ गई अब उसको छोड़ देता है वो तो उसी तरीके से जिस तरह चिड़िया अपनी मौत की पीठ पर बैठी थी उसी तरह मैं भी उसी पहाड़ पर आकर बैठा जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था यानी कि इस मौत के पहाड़ पे आकर मैं यहाँ पर बस गया तो बसने का कारण भी वो बता देते हैं आगे शैला की मौत किस तरीके से उनकी पत्नी शैला की मृत्यु हुई ये बारे में बताते हैं क्या कहते हैं भूप दादा ने रूप को यह भी बताया कि किस प्रकार मलबा हटाकर उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और शैला को ऊपर ले आए मतलब जब इस पहाड़ पर आकर उन्होंने रहने का निश्चय किया तो सबसे पहले यहाँ जो सब कुछ मलबा होता है ना भाई समतल जमा जमीन बनानी पड़ती है तो उन्होंने सब कुछ क्लियर किया और शैला को बिहा के वो वहाँ पर ले आते हैं फिर दोनों ने मिलकर झरने के पानी को किस प्रकार अपने खेतों में मोड़ा उनके द्वारा उसे यह भी जानकारी मिली कि महीप शैला का पुत्र है और उसके गर्भ में रहने पर वह एक अन्य औरत को ले आए थे रूप और शेखर शैला के नदी में कूद कर जान दे देने की बात सुनकर स्तब्ध रह गए तो अब क्या होता है कि वो बताते हैं कि भाई मैं शैला को ले आया मैंने और शैला ने मिलकर बहुत मेहनत करी जो झरने का पानी था उसे खेतों की तरफ मोड़ा और खेती करी और फिर किस तरीके वो बताते हैं कि महीप जो है भूप का और शैला उन दोनों का पुत्र है ये उन्हें पता चलता है कि उन्हें पता नीचे चल गया था फिर वो बताते हैं कि महीप उनका पुत्र था फिर वो ये बताते हैं कि जब महीप होने वाला था शैला प्रेग्नेंट थी तो उसी समय वो एक औरत को अपने घर ले आए थे जिस कारण से जो है शैला बहुत ज़्यादा दुखित हो जाती है और बाद में वो नीचे नदी में कूदकर अपनी सूपनी नदी में गिर के कूद अपनी जान दे देती है और ये सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं उसी घटना के बाद महीप ने घर छोड़ दिया और नीचे रहने लगा वह शैला की मौत के लिए अपने पिता को कसूरदार कसूरवार समझता था भूप दादा को रूप के घर छोड़ने माँ बाप और शैला के मरने और महीप के चले जाने का अफसोस था तो उन्होंने बताया कि महीप ने माँ के मरने के तुरंत बाद ही घर छोड़ दिया क्योंकि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो अपने पिता को मानता था और इस तरीके से जब रूप सिंह को सब कुछ पता चलता है तो वो अपने माँ बाप अपनी भाभी के मरने महीप के चले जाने इन सब पे बहुत ही अफसोस जता जताता है कि उसके चले जाने के पित के बाद कितना सब कुछ घटित हो गया अब क्या है भूप का हिमांग से मुँह यानी कि जिस पर्वत पे वो रह रहा था उससे मुँह की बात बताते हैं रूप अपने भैया का दुख सह सहा नहीं जा रहा था अब इतने दिन बाद मिला था पिता उसका भाई बहुत दुखी था तो वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा था वह अपने भैया भाभी को अपने साथ ले जाना चाहता था पर भूप दादा ने उसका अनुरोध नहीं माना रूप और शेखर को वहाँ बैलों के होने पर हैरानी हुई तो भूप ने बताया कि वह बारी बारी से दो बछड़ों को कंधे पर उठाकर ऊपर लाया था वही बछड़े आज बैल बन गए हैं रूप के अनुसार कभी किसी समय धस जाने वाले उस पहाड़ पर जीवन बिताना खुदकुशी करने जैसा था किंतु का मानना था कि वह और उनकी पत्नी उस पहाड़ पर अकेले नहीं है बल्कि अपने पेड़ झरना अपने पुरखों की आत्मा माँ बाबा शैला और महीप के साथ हैं। वह उसी पहाड़ पर जीना और मरना चाहते थे अब रूप जो है ना अपने भाई को इतना ज्यादा उदास देखता है इतना सब कुछ घटित हो गया होता है वो बोलते हैं कि चलिए आप हमारे साथ चल के मसूरी में रहिए वो मसूरी में रहता होता है तो वो ऑफर करता है कि आप रहिए लेकिन भूप दादा मना कर देते हैं कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है मैं अकेला नहीं हूँ मैं हूँ मेरा पत्नी है पेड़ है झरने हैं और साथ ही यहाँ पर सभी हैं शैला है माँ है पिताजी हैं महीप है सब है दूर है भले तो क्या हुआ मतलब है तो यहीं पास में यहाँ से दूर नहीं जाऊँगा शेखर और रूप ने वहाँ पर दो बैलों को भी देखा था जिस रास्ते पे आदमियों का चढ़ना मुश्किल था उस पहाड़ पर बैल कैसे आए तो जब उन्होंने पूछा तो जो है भूप ने बताया कि जब ये छोटे छोटे बछड़े थे तो मैं इन्हें कंधे पर पीठ पर लादकर ऊपर ले आया था आज ये बड़े होकर बैल बन गए हैं तो इस तरीके से ये जो पूरी कहानी थी हमने आपको बताई शॉर्ट में फटाफट सारी चीज समझा दी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तक अब इसी कहानी पर आधारित हमारे पास प्रश्न जो हमने अभी तक नहीं किए हैं तो ध्यान से देखिएगा इनको क्या करना है प्रश्न संख्या एक है रूप सिंह अपने बड़े भाई भूप सिंह को पकड़ पकड़ से छुटकारा पाने के लिए उन्हें पहाड़ से धक्का दे देता है आपकी नजर में रूप सिंह का यह व्यवहार कितना उचित या अनुचित है तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए क्या हुआ जब रूप सिंह जो है भागकर देवकुंड आ गया था तो भूप सिंह ने उसे पकड़ के फिर वापस अपने गांव ले जा रहे थे तो एक जगह ऐसी आई थी जहां पे रूप सिंह ने अपने भाई को धक्का दे दिया था और दोनों गिर के नीचे एक पेड़ में जाके अटक गए थे तो क्या एक छोटे भाई को अपने भाई को ऐसा धक्का देना चाहिए था अगर आप सहमत है कि यहाँ धक्का देना चाहिए था तो आप उसमें उत्तर देंगे और बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए तो उसमें तर्कपूर्ण उत्तर देना मतलब आप जो भी उत्तर देंगे उसका रीजन आपको देना है कि आप ये उत्तर क्यों दे रहे हो ठीक है तो देखिए कैसे करेंगे इसको रूप सिंह को अपने गांव का संघर्षपूर्ण जीवन पसंद ना था वह घर छोड़कर देवकुंड भाग गया था किंतु उसके अग्रज यानी कि बड़े भाई भूप सिंह ने उसे खोज निकाला और उसका हाथ पकड़कर पहाड़ों से होते हुए अपने गांव जा रहे थे इसी बीच उनसे छुटकारा पाने की बात सोचकर रूप सिंह ने उन्हें ढका ढलान की ओर धकेल दिया था निसंदेह उस समय रूप सिंह छोटा था और उसमें परिपक्वता का अभाव था मतलब वो छोटा था एक जो बड़े लोगों की सोच होती है वो उसके अंदर नहीं थी किंतु उसका ऐसा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था भाई छोटा बच्चा हो आज अगर एक छोटा सा बच्चा दूसरे को हम बोल देंगे तो जिसने धक्का दिया उसी को तो हम गलत मानते हैं ना क्यों धक्का देना गलत बात होती है वो भी पहाड़ से धक्का दे दिया था उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके धक्का देने के कारण भूप सिंह वह वह स्वयं नीचे गिर गए थे जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी रूप सिंह के इस व्यवहार से बड़ों के प्रति अनादर का भाव भी परिलक्षित होता है मतलब ये गलत चीज है उन्हें नहीं करना चाहिए था जबकि वो भी रूप बूप सिंह भी गिरे और साथ में वो भी गिरा इससे दोनों की जान जा सकती थी तो और अपने बड़े भाई को दिया तो एक तरीके से अपने बड़े भाई के प्रति अनादर था वो उनका आदर नहीं करता था रूप सिंह को अपने अग्रज को धक्का देने से पूर्व यह भी सोचना चाहिए था कि वह उसे घर ले जाकर उसका ही भला करना चाहते हैं धक्का देते समय रूप उनके स्नेह अपनत्व भलाई की भावना को ना समझ सका अन्यथा वह किसी भी हाल में ऐसा गलत कदम नहीं उठाता तो रूप सिंह ने जब उन्हें धक्का दिया तो वो ये नहीं सोच पाया कि वो उनको घर ले जाके उनके साथ भला ही कर रहे हैं जबकि ये भी शो कर रहे थे कि वो हाथ पकड़ के ले जा रहे थे कि बड़ा भाई उनको कितना प्यार करता है कितना अपनापन है कितना स्नेह है तो ये सारी चीजें रूप सिंह नहीं समझ पाए थे इसीलिए उन्होंने धक्का दे दिया था प्रश्न संख्या दो है तुमने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो सुनी होगी सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत सुनी सुनने में बहुत भली नहीं लगती लेकिन इसकी सच्चाई वही जानता है जिस पर सच मुझ में पहाड़ टूटा हो। आरोहण कहानी में भूप कत, उ, में भूप सिंह के के कथन आलोक जीवन और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए उसके संघर्ष पर प्रकाश डालिए तो यहां पर सिर पर पहाड़ टूटना अगर ये कहावत है तो उसका मतलब सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत का आना ये कहावत है आप कहावत तभी जान सकता है कि जिसके ऊपर सच में पहाड़ यानी मुसीबतें पड़ी हो लेकिन यहाँ पे तो लिटरली जो है भूप सिंह के माता पिता के ऊपर पहाड़ टूटा था तो आपको ये जो इन्होंने कथन कहा भूप सिंह ने इसके पे प्रकाश डालना है आखिर उन्होंने क्या बात कही और इसमें क्या क्या संघर्ष किया था उन्होंने ये सारी चीजें तो क्या है आरोण कहानी के नायक भूप सिंह का जीवन संघर्षमय एवं दुख से भरा हुआ था अनुज रूप सिंह घर छोड़कर चले जाने से उनका सहारा छिन गया था रूप सिंह के पलायन के अगले साल हुए भूस्खलन में उनके खेत घर उनके माता पिता भी हिमांक पर्वत के नीचे दब गए थे एक तो भाई छूट का गया, छोड़ कर गया छोड़कर चला गया दूसरे दिन दूसरे साल ही उनका घर परिवार माता पिता सब जो है वो पहाड़ में दब गए किंतु तो अपनी सारी दुनिया के नष्ट होने के बाद भी भूप दादा ने ना तो पलायन की बात सोची और ना वे जिंदगी से ही निराश हुए अब इतनी बड़ी मुसीबत आती तो लोग सोचते अरे यहाँ पहाड़ में रह के क्या करना जा रहे हैं हम समतल एरिया रहे में रहेंगे जाके लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा वो वहीं पे रहे और संघर्षपूर्ण जीवन जीते रहे उल्टे उन्होंने हिमांग अर्थात मौत की पीठ पर बस जाने का निर्णय किया यानी जिस पहाड़ ने उनके सब कुछ को छीन लिया था वो उसी पर बसने का उन्होंने निश्चय कर लिया और पूरे मनोयोग से पुनर्निर्माण में जुट गए उन्होंने अपनी पत्नी शैला के साथ मिलकर पहाड़ों को समतल कर खेत बनाए झरने का रुख मोड़कर खेतों की ओर किया उन दोनों की मेहनत रंग लाई और पहाड़ हरे भरे खेत लहलाने लगे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उस मौत के पहाड़ यानी जिस पहाड़ ने उनका सब कुछ छीना थे उसी पे जा पर बसे अपनी पत्नी की मदद से वहां पर खेत बनाए एरिया समतल किया झरने को मोड़कर खेतों तक पानी लाए और वहां पर हरे भरे खेतों को लहराया इस प्रकार विपरीत स्थितियों में संघर्ष करते हुए भूप दादा ने जीवन मूल्यों की रक्षा की यानी कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी कुछ भी नहीं उनके पास बचा था वो अकेले थे लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों से लड़े और जीते भी उनके जीवन की उपलब्धियां उन्हें सामान्य जन से पृथक करती हैं सामान्यता विपरीत परिस्थितियों से घबराकर आम व्यक्ति नकारात्मक सोच से जुड़ने लगता है और गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है जबकि उन्होंने अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भी सन्मार्ग का त्याग नहीं किया और पुनर्निर्माण के कार्यो में जुटे रहे विकट परिस्थितियों में धैर्य धारण कर हिम्मत पूर्वक अपने कर्म पथ पर डटे रहने वाले जीवट पुरुष भूप सिंह एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कहानी में चित्रित किए गए हैं तो कहानी में क्या था भूप सिंह के सामने पूरी विपरीत परिस्थितियां थी ऐसी परिस्थितियां अगर नॉर्मल लोगों के सामने आती है तो वो क्या होते हैं वो निगेटिव थिंकिंग रखने लगते हैं कि नहीं भैया अब हमसे कुछ नहीं होगा हम अकेले बचे हैं पूरा घर बांटे अब मैं क्या करूं मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है तो इस सिचुएशन में उन्होंने हिम्मत से काम लिया लड़े इन परिस्थितियों से अपने लिए जीवन का रास्ता निकाला घर मकान पत्नी सब कुछ बनाया उन्होंने खेत बनाए सब कुछ किया तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कहानी के नायक भूप सिंह बहुत ही हिम्मती और जीवट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे मतलब जीवन से लड़ रहे थे उन्होंने हार नहीं मानी थी अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर है थ्री आरोहण कहानी के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए जो हमें भूप सिंह के जीवन से प्राप्त होती हैं अब भूप सिंह के जीवन को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बतानी है क्या है भूप सिंह आरोहण कहानी का मुख्य पात्र है उनके अनुज रूप सिंह के घर छोड़कर जाने के बाद हुए भूस्खलन ने उनके खेत घर माँ बाप सब कुछ उनसे छीन लिए थे बावजूद इसके उन्होंने विनाश का तांडव करने वाले हिमांग पर्वत पर ही अपना बसेरा बनाया अपनी पत्नी शैला के साथ खेती शुरू की अथक परिश्रम पर कर पहाड़ के दुर्गम रास्तों से दो बच्चों को नीचे से हिमांक पर्वत पर लेकर आए पहाड़ के नीचे बसे अपने गाँव माही में आग लगने पर झरने को मोड़ आग बुझाई वह अपने अनुज के कहने पर मंसूरी नहीं गए और उन्होंने उससे यह भी कहा कि मेरी खुददारी को बख्श दू उन्होंने पहाड़ पर जीने मरने का संकल्प कर रखा था उनका मानना था कि हिमांक पर वह अकेले नहीं है बल्कि अपने खेत घर माता पिता शैला महीप तथा पेड़ पौधों के साथ है तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न के उत्तर में कि उनका सब कुछ तबाह हुआ उन्होंने फिर वही पर्वत जिसने उनका सब कुछ तबाह कर दिया था उसी पर्वत पे जाके घर बसाया अपनी पत्नी के साथ पूरी मेहनत करी खेत बनाए घर बनाया सारा एरिया समतल किया झरने को मोड़ा मोड़ कर खेती करी फिर अपने कंधे पर दो बछड़ों को लाद कर लेकर आए खेती करने के लिए दो बैल वहाँ पे उन्होंने रखे तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करी अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए और एक बार जब उनके गांव नीचे में नीचे गांव में जो है आग लग गई थी तो उसको बुझाने के लिए उन्होंने फिर से झरने का रुख ऐसा मोड़ा कि वो आग पे जाके पानी गिरे तो वो आग भी बुझाई और बाद में उनका भाई जब बोलता है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं आप यहाँ अकेले हो आप हमारे साथ चलो तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं मंसूरी पर जाके आसान जिंदगी नहीं जूँगा मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ यहाँ मेरे साथ सब कोई है माँ है पिताजी हैं घर है बीबी है शैला है महीप है सभी कुछ मेरे साथ है इसलिए मैं यहाँ से छोड़कर बिल्कुल भी कहीं जाना पसंद नहीं करूँगा उन्हें महीप के घर छोड़कर चले जाने का बड़ा दुख हुआ था तभी उसके आने की सोचना पाकर वह नीचे गांव में उतरे थे इस प्रकार भूप दादा एक और कर्मठ खुदार आत्मविश्वासी आशावादी व्यक्ति थे तो दूसरी ओर प्रेम संवेदना सहानुभूति जैसे कोमल भाव से परिपूर्ण भी स्वयं रूप सिंह का ही कहना था कि वह ऊपर से जितने सख्त थे अंदर से उतने ही नरम हमें ऐसे व्यक्ति से जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है तो उन्हें महीप के घर से चले जाने का बहुत दुख था क्यों क्योंकि भाई उनका बेटा था और वो उन्हीं के कारण गया था इसलिए उनको बहुत दुख था तो यहाँ पे हमें भूप सिंह के जीवन व्यक्तित्व में बहुत सारी जो हैं अच्छी चीज़ें दिखती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एक होपफुल व्यक्ति है एक जो है संघर्षवादी व्यक्ति है परिस्थितियों से हारता नहीं है तो सभी कुछ हमने सीखने की कोशिश करी तो जैसा कि रूप सिंह ने बोला कि वो ऊपर से कठोर दिखते हैं पर अंदर से बहुत नरम है क्योंकि उनके अंदर संवेदनाएं भी हैं क्योंकि वो महीब के जाने से दुखी हैं शैला के जाने से दुखी हैं माँ बाप के जाने से दुखी तो वो दुख भी जहाँ वो इतने कठोर व्यक्ति हैं तो अंदर उतनी संवेदनाएँ भी हैं तो ये सभी कुछ हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है हमें ये सारी चीज़ें हम उनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर आरोहण कहानी पर्वतीय अंचलों की पलायन जैसी समस्या को रेखांकित करती है आरोहण मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के बहुत ही मुश्किल जीवन से लोग जो है वहाँ से भाग कर आसान जीवन की तरफ आते तो पलायन करने का मतलब क्या हो मुश्किल जीवन से लोग भाग कर आसान जीवन की तरफ आते। भूप सिंह और रूप सिंह के जीवन के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए और उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें भूप सिंह जैसे लोगों ने संभाल कर रखा है तो अब जो पलायन कर रहे हैं ये हमें समस्या हमारे सामने आती है तो हमें रूप सिंह और भूप सिंह जैसे रूप सिंह ने पलायन कर लिया था मगर भूप सिंह ने नहीं किया वो वहीं पर रुका तो इन दोनों करैक्टर को हमें अच्छे से समझना है और उन्हीं के आधार पर हमें इस कथन को अवलोकन करना है तो क्या चीजें दी है देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन काफी संघर्षपूर्ण होता है पूर्णता प्रकृति पर निर्भर रहने वाले पहाड़ी लोगों के पास आधुनिक सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं रहता है रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता है कहानी के नायक रूप सिंह का भूप सिंह भी छोटी उम्र में ही अपना गाँव माही छोड़कर रोजगार की तलाश में मसूरी चलाया था तो क्या हुआ वहां भी बहुत मुश्किल जीवन होता है पहाड़ों पर तो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए आसान जीवन के लिए क्या करते हैं वहाँ से पलायन करके वो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं जहाँ उन्हें रोज़गार मिल जाता है और इतने मुश्किल जगहों पर रहने क्योंकि वहाँ पर सुविधाएँ हमारी मूलभूत जैसे लाइट है पानी है मोबाइल है आजकल तो इंटरनेट है ये सब चीज़ें हम हमको वहाँ नहीं मिलती हैं मूलभूत चीज़ें तो ये सब चीज़ें जब नहीं मिलती तो उसके लिए वो लोग कहाँ आ जाते हैं मेन प्लेन एरिया पे कि वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो जैसा कि रूप सिंह ने किया था वो वहां पे आ गए थे मंसूरी आके रहने लगे थे और वहीं रहकर कपूर साहब की देखरेख में पर्वतारोहण का परीक्षण भी लिया मतलब वहां पे पर्वतारोहण सीखा उन्होंने जिसके फलस्वरूप उन्हें चार हजार वेतन वाली नौकरी भी मिल जाती है किंतु तो भूप सिंह को किसी भी हाल में अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना गवारा नहीं था तो रूप सिंह ने अपना घर छोड़ा फिर शेखर कपूर साहब के यहाँ आके जो है उन्होंने क्या कहते परवाद उनकी ट्रेनिंग ली फिर उन्होंने नौकरी भी मिल गई चार हजार की लेकिन इसके विपरीत भूप सिंह के साथ बहुत कुछ घटित हुआ उनका सब कुछ तबाह हो गया लेकिन तब भी उन्होंने अपने घर को छोड़ने का निश्चय नहीं किया कि वो अपने घर को छोड़कर नहीं गए अपने अनुज के पलायन से व्यतीत भूप सिंह पर जब विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है भूस्खलन के कारण उनके खेत घर माता पिता सभी पर्वत की गोद में समा जाते हैं तब भी वह भी वह उसी हिमांग पर्वत के ऊपर घर बनाकर रहने लगते हैं और अपनी पत्नी शैला के साथ मिलकर खेती करते हैं विपरीत परिस्थितियां भी उन्हें अपनी मातृभूमि से दूर जाने नहीं देती और वह हिमांग पर ही जीवन जीने मरने की ठान लेते हैं इस प्रकार पहाड़ के संघर्ष में जीवन से घबराकर एक सिंह एक और रूप सिंह अपने क्षेत्र से पलायन कर जाता है वहीं दूसरी ओर उसके बड़े भाई तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर अपनी मातृभूमि में रहते हुए कर्मठता खुददारी आत्मविश्वास व आशावादी जैसे जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं तो जहां एक भाई ने इन मुसीबतों से जाकर पलायन करके आसान जिंदगी चुनी वहीं पर भूप सिंह के साथ जहां पर उस पहाड़ में इतना सब कुछ घटित हुआ सब कुछ खो गया वहां पे फिर से उन्होंने मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया तो यहाँ पर एक भाई आसान रास्ते पे गया दूसरे रास्ते दूसरे भाई ने मुश्किल रास्ता लिया तो यहाँ पर भूप सिंह जो है वो बहुत ही आशावादी व्यक्ति कर्मठ यानी कि अपनी कर्म में प्राणता रखने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को हमने देखा तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें आसान रास्ता चुनना और मुश्किल रास्ता चुनना दो व्यक्तित्व को हमने यहाँ पर देखा इस पाठ के सार को हम समझते हैं क्या दिया है प्रस्तुत पाठ विस्कोहर की माटी में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश ग्रामीण जीवन शैली गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है तो जो हमारे लेखक है ना वो किस तरीके से उनका गांव था कैसे आसपास का माहौल था वहाँ की मिट्टी वहाँ का मौसम वहाँ खिलने वाले फूल पौधे इवन वहाँ पे मिलने वाले सांप तक के उन्होंने हमारे इस बारे इस पार्ट में हमको बताया है साथ ही हमें ये भी बताया है कि उनकी माँ के साथ क्या था वो थोड़ा बहुत था वो भी उन्होंने इसमें हमको एक्सप्लेन किया है तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है तो इन्होंने हमको बताया है कि कोइया एक प्रकार का जल पुष्प होता है जल पुष्प मतलब पानी में खिलने वाला जो फूल होता है उसको जल पुष्प कहा जाता है जैसे अपन हम लोगों ने कमल में देखा है कमल कहाँ खिलता है पानी में खिलता है ना तो उसी तरीके से कोया होता है कमल को कोया मत समझिएगा वो उसी तरीके का ही एक फूल होता है क्या दिया है इसे कुमुद या कोकाबेली भी कहते हैं ये कोया के फूल को क्या कुमुद या कोकाबेली भी कहते हैं तो इसके तीन नाम हो गए कोया कुमुद और कोकाबेली शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्र होता है कोया फूल उग जाता है तो मतलब इसको आप कहिए कि पर्टिकुलर बहुत सारा पानी चाहिए या तालाब ही चाहिए तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी पानी एकत्र भाई जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है तो वहां पर भी ये फूल खिल जाता है शरद की चांदनी में कोयिया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है तो ये जो है ना जब चांदनी शरद ऋतु में जो चांदनी रात होती है जब चांद की चांदनी पड़ती है रात में एकदम एक तो एक पूरा अंधेरा होता है और चांद की ये सफ़ेद सफ़ेद दूधिया रोशनी होती है तो उस रोशनी जब कोया के पत्तों पर पड़ती है ना तो वो पत्तियाँ बहुत ही उजली सी लगने लगती हैं एकदम सफ़ेद एक तो सफ़ेद होती हैं और ऊपर से चांदनी पड़े तो वो और ज़्यादा सफ़ेद लगने लगती है और इसकी महक जो होती है वो एकदम मदमस्त कर देने वाली बहुत ही अच्छी महक लगती है लेखा अब यहाँ पर इन्होंने अपने जो गांव है जहाँ पर वहाँ पे जो फूल खिलते थे उसके बारे में बताया अब सेकेंड पैरे में ये अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं हमको लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता उसे संस्कार भी ग्रहण करता है अब देखिए क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता सिर्फ अपनी माँ का दूध ही उसे पीना होता है और इवन पानी तक पीने को उसको नहीं मनाही होती है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा सिर्फ जब माँ का दूध पी रहा है तो माँ से ही अटैचमेंट उसका सबसे ज़्यादा रहता है तो ये जो अटैचमेंट होता है सिर्फ वो पेट भरने तक ही नहीं रहता माँ जिस भाव से जिस दुलार से अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो धीरे धीरे उस एक अगर ऐसे अगर दूध पिला रही है और हाथ भी उसके सर पर फेर रही है तो उसके अंदर वो उस एहसास के साथ बहुत सारे संस्कार अच्छी बातें अपना प्यार दुलार सब कुछ धीरे धीरे अंदर उस एहसास के एक क्या कहते हैं सहलाहट के साथ एक स्पर्श के साथ उस बच्चे के अंदर डालती जाती है तो इसीलिए बच्चे और माँ का जो बंधन होता है वो क्यों एकदम अनूठा माना जाता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ पर डिपेंड होता है और माँ ही उसके बच्चे के एहसास को और बच्चा माँ के एहसास को बहुत अच्छी तरीके से समझता है तो अब यही उन्होंने बताया कि नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही नहीं ग्रहण करता उससे संस्कार भी ग्रहण करता है, जो उसके चरित तथा व्यक्तित्व तो निर्माण में सहायक होते हैं बच्चा सुख बुकाता है रोता है माँ को मारता है माँ भी कभी कभी मारती है फिर भी बच्चा माँ से चिपका रहता है आप भी देखिए आप मम्मा के ऊपर इतना गुस्सा जाओगे मम्मा आपकी भी पिटाई कर देगी लेकिन अगर कुछ भी चीज़ जरूरत होगी तो आप सबसे पहले माँ के पास भागोगे और आपको जरा सी तकलीफ होगी तो माँ आपकी तरफ दौड़ी आती है तो ये चाहे जितनी चिढ़ हो रोना हो कुछ भी हो हम चिढ़ भी जाए माँ से कुछ गुस्सा भी हो जाए लेकिन जब हम पर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले हम माँ की तरफ ही भागते हैं बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है ए बच्चा दांत निकलने पर टीसता है अर्थात हर चीज को दांत से काटता है तो अब क्या होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी करवट हो चाहे उसका पैर मारना हो कुछ भी हो माँ को तरह तरह के एहसास होते हैं पेट में जैसे बच्चा मला अगर अंदर पैर भी चलाता है तो माँ को बहुत दर्द तकलीफ होती है वो भी दर्द होता है लेकिन माँ के लिए वो दर्द नहीं होता वो बहुत ही अच्छा एहसास होता है कि उसका बच्चा अंदर पल रहा है उसके अब जब बच्चा निकलता है माँ दूध पिला रही है तो उसको दांत अगर निकलने लगते हैं तो वो काटता है वो भी दर्द होता है लेकिन तब भी माँ कभी उसको डांटती नहीं मारती नहीं सिर्फ प्यार से समझाती है चीज़ों को इवन हाथ भी पकड़ेगा टीसेगा सब कुछ करेगा लेकिन तब भी माँ कभी दूध पिलाना बंद नहीं करती वो हमेशा उसको दूध भी पिलाती है तो ये एहसास होता है कि चाहे आप जितना कर लीजिए माँ अपने फर्ज से नहीं हटती उसी तरीके के बच्चा भी अपनी माँ से भी उतना ही अटैच रहता है चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है तो अब क्या होता है जब माँ दूध पिला रही है चांदनी रात में तो सिर्फ वो दूध ही नहीं पी रहा उस रात के एहसास को में भी आनंद ले रहा होता है अर्थात चांदनी के समान उसके अंदर और ममता देती है तो मतलब जो चांदनी है वो जो माँ के समान जो ममता होती है वो उसके अंदर और अच्छा एहसास भर देती है मां से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना यानी मानव जीवन लेने की सार्थकता है यानी मां जब लिपट जब बच्चा जो है वो मां से दूध पीता है तो वो जो जड़ चीज़ थी जो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो एक निर्जीव चीज उसके पेट में आके पलना शुरू हुई थी अब धीरे धीरे उसने सजीव का रूप यानी कि अब वो सार्थकता में वास्तविकता में आ रहा है इस संसार में धीरे धीरे वो एहसासों को अपना महसूस करना शुरू कर रहा है थ अभी माँ का दूध पीता था विस्नाथ मतलब हमारे लेखक अभी सिर्फ माँ का दूध ही पीते थे उनके छोटे भाई का जन्म हो गया मां के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया नाथ का दूध छूट गया को वो उनके तीन साल होने पर पड़ोसन की कसेरनी दाई ने पाला मां का स्थान दाई नहीं, दाई ने नहीं ही ले लिया यह विस्नाथ पर अत्याचार हुआ तो इस पार्ट में जो हमारे लेखक है विश्वनाथ जी बोलते हैं कि वो छोटे ही थे कि अभी अपनी माँ का दूध ही पी रहे थे तभी उनका छोटा भाई भी आ गया अब माँ के दूध पर विश्वनाथ का हक ना होकर उनके छोटे भाई का अधिकार हो गया और अब उनको माँ की जगह किसने पालना पड़ोस में कसर निदाई रहती थी उन्होंने पालना शुरू कर दिया तो उन लेखक को ये लगता है कि ये उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था माँ का साथ उनसे छूट गया था अब नेक्स्ट आते हैं इसी में अब ये जो इन्होंने बताया माँ के साथ उसी तरीके से उन्होंने कुछ और बत्तख को देखा था कि वो अपने अंडों और बच्चों की कैसे देखभाल करती तो इससे अपनी माँ को और उस बत्तख को सिमिलर करना उन्होंने शुरू किया था क्या है गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेते देखा लेखक को बत्तख माँ तथा मानव शिशु में कई समानताएं दिखाई दी एक माँ में और बत्तख में समानताएं दिखाई दी और उस अंडे और मानव शिशु में समानताएं ये सब एक ही जैसे हैं जिस प्रकार बत्तख फैलाकर और अंडों को दुनिया की नजरों में बचाकर रखती है अपनी पैनी चोच से सार्थकता से कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है कि मतलब जो बत्तख की चोच इतनी हार्ड होती है वो अपने क्या करती है वो साथ करके रख लेती है अंडे रखे उसने अंडे रखे उसके ऊपर कितनी कोमलता के साथ बैठ जाती है कि टूटे नहीं उन्हें सेती रहती है और उसके अलावा क्या करती है जो उसके जो उसकी चोच इतनी हार्ड होती है वो भी कोमलता का एहसास उन अंडों को कराती है वो बिल्कुल भी उन अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाती है उनकी चोच अब हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है और हमेशा उसका ध्यान कहाँ रहता है कौवे पर क्योंकि कौवे उसके अंडों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं ले जाने की कोशिश खाने की कोशिश करते रहते हैं तो उसकी नज़र हमेशा कहाँ रहती है कौमों पर कि कहीं उसके अंडों को कोई नुकसान न पहुँचा दे उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है उन पर आने वाली मुसीबत को भाप कर उनकी रक्षा करती है गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया था उसी तरीके से माँ भी जो माँ मा होती है वो भी मानव शिशु का उसी तरह ख्याल रखती है जैसे बत्तख अपने अंडों का रखती है जिस तरीके से भाई माँ मा जो है मानव शिशु में बहुत ध्यान रखती है कि कहीं उसको चोट ना लगे कहीं गिर ना जाए तो उसी तरीके से उन्होंने एक वाक्य और बताया है अपनी माँ के बारे में कि वो अक्सर क्या करते थे गर्मियों की दोपहर में चुपचाप बाहर निकल जाया करते थे तो अब गर्मियों में कैसे लू चलती है गर्म हवा चलती है अगर हम लू में निकल जाएँ तो तबीयत ख़राब होने का बहुत चांसेस रहते हैं तो वही उन्होंने बताया लू लगने पर माँ धोती या कमीज़ में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी तो मतलब कि उससे अगर लग जाए तो भी प्याज काम करता है और अगर ना लगे तो इसके लिए भी क्या करते हैं कि जैसे आप लू में निकल रहे हो तो अपने पास प्याज रख लो तो वो भी एक कहते हैं कि उससे लू नहीं लगती है लू लगने पर कच्चे आम का पना पिया जाता है और अगर लू लग जाए तो क्या होता है जो कच्चे आम का पना होता है वो पिया जाता है आम को भून कर या उबाल कर गुड़ या चीनी से उसका शरबत पिया जाता है उसे देह में लेपा जाता है यानी इसको पीस के पूरे शरीर में लगा लिया जाता है नहाया जाता है उससे सिर धोया जाता है विस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है तो उन्होंने ये भी बताया देखे यहाँ पर कि जब लू लग जाए तो उसके कितने उपचार होते हैं आप सबके यहाँ भी किसी किसी तरह के उपचार होते होंगे तो वो भी आप देखिएगा हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे एक क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया है तो उसे भी आप ध्यान रखना है अब इसके बाद आते हैं हमारे लेखक बरसात के मौसम में विस्कोहर में जब बादल छाते हैं तो इतने घंघोर बादल छाते हैं कि दिन में भी अंधेरा हो जाता है बरसात कई दिन तक होती है जिसके कारण घर की दीवारें गिर जाती हैं और घर धंस जाते हैं तो मतलब इतनी ज्यादा बारिश होती है कि जो दीवारें भाई गांव की दीवारें कैसी होती है कच्ची होती है अगर ज्यादा पानी बरसे तो वो दीवारें गिर जाया करती क्योंकि जमीन धस जाती है और दीवारें गिर जाती हैं बरसात आने पर शिशु पक्षी सभी पुलकित हो सकते हैं हो जाते हैं यानी कि छोटे बच्चे हों पशु हों पक्षी हों सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं उमस के कारण मछलियाँ मरने लगती हैं तो विस्कोहर में आप देखोगे कि वहाँ पर जो है उमस बहुत होती है ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं वहाँ पर बहुत होती है बरसात के कारण कीड़े निकलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मछलियाँ भी मरने लगती हैं पहली बारिश में दात खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है कहते हैं कि अगर पहली बारिश में आप भीग जाइए तो अगर आपको कहीं फोड़ा फुंसी निकला है या दाद हुआ है तो वो सभी ठीक हो जाएगा जो पहली बारिश का पानी अगर पड़ता है मैदानों खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं गांव है तो सांप तो होंगे तो वहां कई तरीके के सांप भी होते हैं सांप को देखने से डर तथा रोमांच दोनों होता है भाई सही बात है अगर हम सांप के बारे में सुनते तो रोमांचित हो जाते भाई कैसा होगा क्या होगा हम देखते हैं और एकदम से अगर कहीं हमारे सामने आ जाए तो हम डर भी जाते हैं डोडहा दो, और मजगीधवा विषहीन होते हैं तो ये दो सांप इन्होंने कैसे बताए जिनके अंदर पॉइजन नहीं होता है डोडा को वामन जाति का मान कर मार मा, मारा भी जाता है तो उन्हें यह समझा जाता है कि डोडा जो है वो वाइपर है वामन मतलब वाइपर जो होते हैं वाइपर्स जिनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में जहर होता है उस प्रजाति के जो स्नेक्स होते हैं वो समझ के अक्सर डोड़ा को मार दिया जाता है घासिन भी विषहीन ही हैं घेर कडाईवा भटिया तथा गोहुन खतरनाक हैं जिसमें सबसे अधिक गहुन खतरनाक है जिसे फेंटास भी कहा जाता है तो ये जो सांप है ये कोबरा प्रजाति के होते हैं जिन्हें स्पर्टिकल कोबरा या मोनोसेट कोबराज भी कहा जाता है इंग्लिश में हम आपको बता रहे हैं ये हर एरिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं मगर ये प्रजाति कोबरा की होती है दो प्रजातियाँ हमारी कोबरा की होती है हम सभी को पता है कि एक आपका मोनोसेट कोबरा होता है और एक आपका स्पेक्टिकल कोबरा होता है इसके अलावा कोबरा और भी होते हैं लेकिन ये इस एरिया में नहीं पाए जाते हैं गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं तो आप अगर किसी भी गांव एरिया में जाएंगे ना तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो लोग प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं अगर मान लीजिए कहते हैं कि काटा चुप जाए अगर कहीं आपको कोई काटा चुभ जाए या हम लोग होता है ना लकड़ी की फांस होती है लग जाए तो वो कहते हैं कि अगर नहीं निकले तो पक जाता है हाथ फिर का आपको कट करके निकालना पड़ता है डॉक्टर के पास तो उन लोगों का सबसे प्राकृतिक इलाज क्या होता है बड़ बड़ का एक पेड़ आता है उसका दूध अगर उस पर डाल दिया जाए ना तो वो अपने आप फांस बाहर आ जाती है मधुमक्खी खाट ले तो कहते हैं जूना लगा लीजिए तुरंत जो है जहर लेता है जहर लेता वो तो इसी तरीके बहुत से प्राकृतिक इलाज गांव वाले करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फूल जो है सिर्फ सुगंध दे के लिए या सुंदरता के लिए नहीं होते ये किस और काम के लिए बताएं कि इसे कई उपचार भी किए जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है फूलों की गंध से सांप महामारी देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है तो कहने का मतलब है कि ये सांप का है आप कोई फूल रख दो तो सांप नहीं आएगा देवी प्रसन्न हो जाएंगी चुड़ैल भाग जाएगी ऐसे बहुत तरह के अंधविश्वास भी होते हैं लेकिन बहुत तरह के उपचार जो किए जाते हैं वो वाकई जो है ऐसे होते हैं कि हम भी देख के चौक जाते हैं एक्चुअली जो मैंने आपको अभी बढ़ के दूध वाला जो किस्सा बताया था वो हमारे साथ ही हुआ था कि हमारे हाथ में कांटा चुप गया था और उसका थोड़ा सा पार्ट हाथ के अंदर ही रह गया था तब वो एक हमें उन्होंने बताया कि आप इस पे ये दूध डाल लीजिए वो तुरंत बाहर आ जाएगा और सही लिटरली ये हुआ कि मैंने जब उस पर दूध वाला डाल लिया तो वो जो पार्ट हमारे स्किन के अंदर रह गया था जो बहुत पेन कर रहा था वो धीरे धीरे अपने आप खुद ही बाहर आ गया तो ये सब चीजें होती हैं तो यहाँ दिया है गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं जिसको गुड़हल मतलब हैबिस्कस का जो फूल होता है वो बेर के फूल सूंघने से बर्रे ततये का डंक झड़ता है तो यहाँ बताया कि बेर का जो पेड़ होता है उसको अगर सूंघ लिया जाए तो बैये बरैया और ततये काटने से जो जहर चढ़ जाता है वो उतर जाता है आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं नीम के पत्ते और फूल चेचक के रोगी के समीप रखे जाते हैं लेखक के गांव में कमल खिलते हैं हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है कमल पत्र को पुरैन भी कहते हैं आप कमल को देखेंगे अगर उसके पर्यायवाची आपने पढ़े हैं तो पुरैन भी पढ़ा होगा कमल की नाल को भसीन कहते हैं जो कमल की नाल होती है उसको भसीन उसकी सब्जी भी बनती है कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है कमल गट्टा कमल का बीज इतना बड़ा सा होता है कमल का गट्टा वो भी खाया जाता है उसकी सब्जी वगैरह बनती है अपने एक रिश्ते के दार के घर एक रूपवती अपनी उम्र की बड़ी औरत देखी अभी इन्होंने उनका जो फर्स्ट जो है आकर्षण जो जिसको हम बोलेंगे इनफेक्चुएशन जो हुआ वो एक बार अपने रिश्तेदार के घर गए तो वहाँ अपनी उम्र से बड़ी एक बहुत ही सुंदर लेडी को देखकर इनको इन्फैक्चुएशन हो गया था तो उनकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी जैसे प्रकृति आकर्षक लगती है वैसे वो औरत भी उन्हें बहुत आकर्षक लगी प्रकृति के समस्त दृश्य जूही की लता चांदनी की छटा फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नज़र आने लगी मतलब वह था तो उन्हें हर जगह वो औरत नज़र आ रही थी लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी नारी के, के सजीव रूप में आ गई तो उन्हें लगा कि ये जितनी जो जो प्रकृति थी हम अभी तक देख रहे थे वो नारी नारी का रूप धारण करके जिंदा होके उनके सामने आ गई है लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया था उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका तो जिससे फर्स्ट इन उनको हुआ था कभी भी अपने दिल की बात को उस लेडी को नहीं बता पाए थे वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती थी आँखों में कैसी व्यथा लिए दिखती थी मतलब वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी उसको दुख बहुत थे आँखों में उसके तकलीफ़ दिखती थी वह इंतज़ार करती हुई दिखती थी लेखक के लिए वह हर कला के अवसात में वह मौजूद है लेखक के लिए हर सुख दुख से जुड़ने की सेतु है इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा हुआ है तो कहने का मतलब है बहुत टाइम हो गया लेकिन तब भी उस औरत का जो आकर्षण था वो लेखक के अंदर अभी भी बना हुआ है तो यहाँ पर हमने ये पाठ फटाफट पड़ पढ़ लिया समझ लिया हमने कई चीज़ें देखी इस पार्ट में उनके गाँव के बारे में समझी जानी इवन उनके व्यक्तित्व के तो बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करी अब चलिए इसी पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया विश्वनाथ यानी कि छोटा बच्चा यानी कि खुद हमारे लेखक पे क्या अत्याचार हुआ था भाई वो खुद तीन साल के थे उनका छोटा भाई आ गया उनका दूध छिन गया अब उनको पालने भी पड़ोस की कसेन बाई जो हैं उन्हों, दाई उन्होंने पाला तो ये उनको बहुत ही अत्याचार लगा तो ये इसको कैसे लिखेंगे बालक विश्वनाथ अभी छोटा ही था और स्तनपान करता था जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो छोटे भाई को दूध पिलाने के लिए बड़े अर्थात विश्वनाथ का स्तनपान छूट गया माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया विश्वनाथ को वो गाय का बेस्वाद दूध दिया गया कसेरन दाई के द्वारा बालक विश्वनाथ का पालन पोषण किया जाने लगा बालक विश्वनाथ को यह सब अपने ऊपर अत्याचार सा लग रहा था तो ये सब चीजें उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी की लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं तो पाठ में जो उपाय दिए गए हैं वो आपको लिखना है फिर इसके अलावा आप इन उपायों से परिचित हैं या नहीं है आपको ये चीज बतानी है क्या दिया है लेखक विश्वनाथ दोपहर में घर के बाहर जब भी जाते तो माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी इससे लू का बचाव होता है ऐसी मान्यता है कि गर्मी में प्याज खाने व साथ रखने से लू नहीं लगती है गाँव में लू से बचने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना भून कर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना देह में लोएपना नहाना कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर धोते थे गांव में रहने वाले लोग तो इस उपाय से परिचित हैं लेकिन शहरी जीवन आधुनिक मशीनी उपकरणों से ही परिचित हैं। तो अगर आप शहरों में बात करोगे तो लोग इन सब चीजों से ज्यादा परिचित नहीं हैं। लेकिन गांव से रिलेटेड जो लोग रहते हैं जो जानते हैं जिनका टच गांव से है वो इन सभी उपायों से परिचित रहते हैं प्रश्न संख्या तीन है लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है जो आधार से उन्होंने तुलना की है वही आपको यहाँ पे लिखने पाठ में दिया हुआ है उसी आधार पर लिखेंगे क्या दिया है लेखक विश्वनाथ ने निम्नलिखित आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है बत्तख भी मातृत्व का सुख पाने के लिए अंडे देती है जैसे माँ मातृत्व मतलब माँ का सुख पाने के लिए उन्हें सेती है उनकी सावधानी पूर्वक रक्षा करती है लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ को बच्चों को प्यार करते दूध पिलाते और हर सुख दुख में उनकी सहायता करते देखा था मातृत्व का सुख दोनों समान रूप से भोगते हैं इस आधार पर विश्वनाथ ने दोनों की समानता की है कि मतलब बत्तख भी क्या करती है अंडे देती है उनको सेती है उनसे बच्चे निकलते हैं उनकी देखभाल करती है उनके हर खतरों से उनको बचाती है उसी तरीके से मानव माँ भी क्या होती है वो भी बच्चों को पैदा करती है उनके पालन पोषण करती है उनकी देखभाल करती है और उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हर मुसीबत से उनको बचाती भी है तो इन्हीं दोनों आधारों पर उन्होंने बत्तख और माँ की तुलना करी है क्वेश्चन नंबर फोर है फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं कैसे तो अब सिर्फ सुगंध नहीं दे रहे वो हमारे लिए दवा का काम भी करते हैं कैसे अब इसमें जो पार्ट में दिया गया है वही आपको यहाँ पर लिखना है तो क्या दिया है विश्वनाथ ने गांव में अनेक फूल देखे सूंघे और कानों में खोसे थे मतलब हम सूंघते हैं तो क्या होता तो है आपने देखा होगा कान के पीछे भी बहुत से लोग खोसते थे बड़ा अच्छा लगता है बच्चे खेल खेल में ये सारे काम बहुत करते हैं गाँव के लोगों का विश्वास था कि फूल केवल सुगंध ही नहीं देते बल्कि रोगों के इलाज में भी सहायक हैं। भरमंडा का फूल पीली तितली जैसा होता है आपने देखा होगा कई जगह पीला पीला सा फूल होता है एकदम उसकी पत्तियां भी थोड़ी बिखरी बिखरी रहती है समट, समटी नहीं होती तो उसको कहा जाता है भरमंडा का फूल जैसे आंख दुखनी दुखनी आने पर माँ आंखों पर लगाकर इलाज करती थी कहते हैं ना कंजेवाइटिस आंख आना मतलब कंजेवाइटिस हो जाता है ना तो उस पर अगर वो फूल रख दिया जाए तो बहुत ही दर्द से रिलीफ मिलता है नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के सिरहाने रखने से लाभ होता है नीम के जो फूल होते हैं और उनके पत्ते होते हैं चेचक जो निकलती है उसके लिए बहुत ही जिसको मिजल्स या चिकन पॉक्स बोलते हैं चेचक को उनमें ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं यह माना जाता है कि बेर की जंगली गंध से बरे और ततये का डंक गिर जाता है यानी कि बेर का जो जंगली फूल होता है उसकी महक ऐसी होती है कि ये जो ततैया और बर्रे काट लेते हैं तो आप लोग देखते हो ना स्वेलिंग आ जाती है तो उसका कारण क्या होता है उनके जो डंक होता है उनमें थोड़ा सा पॉइजन होता है जो हमको हार्मफुल तो नहीं करता लेकिन वो पेन पेनफुल तो होता है साथ ही साथ वो थोड़ा स्वेल कर देता है हमारे जहाँ पे भी वो काटेगा तो उसको अगर उस जगह पे हम वो जंगली फूल रख दें तो कहते हैं कि वो जहर जो है समाप्त हो जाता है झड़ जाने का तात्पर्य होता है कि वो जो जहर होता है वो अपना असर कम कर देता है और वह काट नहीं पाता और माना जाता है इस प्रकार फूल दवा का काम भी करते हैं तो फूल इस तरीके से काम करते हैं तो शुरू करते हैं पाठ प्रस्तुत पाठ हमारा मालवा आ, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक प्रभाष जोशी जी के द्वारा लिखित है इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी वर्षा नदियों की स्थिति उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन तथा संस्कृति को चित्रित करने का प्रयास किया हमने बताया मालवा रीजन की जो कोई भी चीज़ें प्रचलित है वो सभी चीज़ें हमारे सामने लेकर आए यहाँ की मिट्टी कैसी है वर्षा कैसी होती क्या सब कुछ हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है उन्होंने मालवा के बारे में बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक चित्रण किया है मालवा की अभी की स्थिति एवं पहले की स्थिति की तुलना की है मालवा की अभी जो प्रेजेंट स्थिति है और मालवा जैसा पहले था इन दोनों स्थितियों की तुलना भी करिए मतलब इन दोनों स्थितियों को कंपेयर किया है कि पहले क्या परिस्थितियां थी और अब क्या परिस्थितियां हैं जैसे कि पहले की मालवा धरती गहन गंभीर डग डग रोटी पग-पग नीर की अब के मालवा नदी नाले सूख गए पग-पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया तो यहाँ पर पहले क्या एक ये चीज थी जैसे कि पहले क्या है डगडग डग रोटी पग पग नीर यानी कि डगडग यानी कि हर रास्ते पे आपको खाने को रोटी मिल जाएगी पग पग नीर मिल जाएगा मतलब आप कहीं पर एक कदम भी रखेंगे तो आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी लेकिन अब क्या सभ्यता हो गई है कहने का मतलब क्या है अब जो है हमारा जो पग पग नीर वाला मालवा है वो सूख गया है यानी कि अब जो है परिस्थितियां बदल गई हैं अब इतना संपन्न मालवा क्षेत्र नहीं रह गया है। मालवा में रहने वाले लेखक अपनी जन्मभूमि का बखान करते हुए उनकी उसकी पहले की सुंदरता और आज के आधुनिक युग में उजड़ चुके हरियाली व नदी झरनों की दुख को व्यक्त कर रहे हैं तो इनकी जन्मभूमि प्रभाष जोशी जी की जो है ये कहाँ पर रही है मालवा रीजन में रही तो जब वो पैदा हुए चारों तरफ बहुत ही संपन्न हरियाली थी संपन्नता थी नदियाँ खूब अच्छी थी लेकिन अब आधुनिक समय में क्या हो गया ये सभी सूख गए हैं मतलब अब उतनी हरियाली नहीं रह गई मौसम भी बहुत विकट हो जाती क्या ना हरियाली नहीं रहेगी तो मौसम विकट हो ही जाएंगे तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है मिट्टी भी बंजर हो चुकी है जिससे पूरे मालवा को बर्बाद कर दिया है और मालवा की मिट्टी भी बंजर बना दी है लेखक कहते हैं जो मालवा अपनी सुख समृद्धि संपन्नता के लिए प्रख्यात था वही मालवा अब खाव उजाड़ी सभ्यता में फंसकर उलझ गया है मतलब जो पूरी तरीके से संपन्न क्षेत्र हुआ करता था आज क्या है बस खाओ उजाड़ो और बर्बाद सब कुछ यानी कि हमें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपनी भूमि को संभाल के रखने का जो पहले लोगों में हुआ करता था वो आज के लोगों में नहीं है लेखक नवरात्रि के समय घाट स्थापना का उल्लेख करते हुए कहते कहते करते बताते हैं कि यदि दिन यह दिन बहुत ही खुशहाली का दिन है इस दिन सारे सारे लोग सज धज कर घर आंगन को सजाते हैं लेकिन आज आसमान में बादल गरज रहे हैं और बारिश होने वाली है और मैं उस घड़ी मालवा की उजली चटक धूप लहलाते ज्वार बाजरे और सरसों सोयाबीन की फसल बेल के पीले फूल और दमकते हुए घर आंगन देखने आया था तो अब इन्होंने क्या बताया नवरात्रि के समय घट स्थापना होती है घट रखा जाता है ना उसमें ज्वार बोए जाते हैं जौ सॉरी जौ बोया जाता है तो अब यहाँ पर क्या हुआ इस समय मौसम क्या रहता है बहुत ही खुशहाल भरा हल्की हल्की सी ठंड होती है और क्या कहते हैं चारों तरफ खेत लहलाते रहते हैं मतलब ये जो नौ दिन, दिन होते हैं नवरात्रि के बहुत ही अच्छे दिन होते हैं मतलब मौसम भी बहुत प्रेजेंट मौसम रहता है अब जो आज का बादल छाए हुए हैं बारिश हो रही है तो ये क्या है बेमौसम चीज हो रही है ना ये तो बारिश का मौसम नहीं था तो इस समय मौसम कैसे बदला हुआ है तो ये देखने क्या आए थे लहलाते खेत लेकिन उनको मिल क्या रहा है बारिश इस क्वार के महीने में तो बारिश चली भी जाती है लेकिन इस बार यह बारिश जरूर होगी तो उन्होंने बोला क्वार का महीना होता है बारिश नहीं होती लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो रही है उस वक्त बहुत उस वक्त बहुत बारिश हुई किसानों का कहना था हमारी सोयाबीन की फसल तो गल गई तो अब उस वक्त बेमौसम बरसात होने का क्या हुआ और बहुत ज़्यादा हुई तो जो सोयाबीन की फसल मालवा क्षेत्र में सोयाबीन काफ़ी अच्छी तादाद में होता है तो वहां पे किसानों को बहुत नुकसान हुआ उनकी पूरी फसल गल रह गई लेकिन अब गेहूं और चना की फसल अच्छी होगी अब ज्यादा पानी मिल जाने से खेतों से आ सोयाबीन तो बर्बाद हो गया लेकिन गेहूं और चना जिनके लिए ज्यादा पानी लगता है वो फसल अब खेतों को नम कर चुकी है तो वो फसल आगे आने वाली अच्छी होगी मालवा में बारिश का पानी घरों में घुस गया था तो इतनी बारिश हुई थी कि घर के अंदर तक पानी आ गया था सबको पुराने दिन पुराने दिन पुराने दिन याद आने लगे लेकिन मालवा में अब पहले जैसे दिन कहाँ हैं पुराने दिन याद अब पहले जैसे दिन उन्होंने कहा कहाँ है कवि सफर के बारे में इस पार्ट में बताते हैं कि जब उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना होता है तो मालवा आंगन पड़ता है तो यानी कि उज्जैन जाइए इंदौर देवा जब उज्जैन जाएंगे देवास होते हुए आपको इंदौर जाना होगा हम्म तो ये क्या हुआ मालवा क्या है वो मालवा का आंगन है क्या कहलाता है वो मालवा का आंगन कहलाता है और क्वार के महीने में जब जाना होता है तो मालवा की भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत मस्त हो जाती है और अगर ये क्वार के महीने में आप ये सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ चारों तरफ इतनी हरियाली रहती है कि आप देख एकदम प्रसन्न हो उठेंगे कुएं, बावड़ी तालाब तलैये के लबालब भरे नदी नालों के को बहते और फसलों को लहलाते हुए देखो तो बहुत गजब की खुशियों का अनुभूति होती है तो चारों तरफ जितने भी नदी तालाब सब कुछ पानी से लबालब भरे होंगे चारों तरफ हरियाली होगी और ऐसा माहौल देखकर मन प्रसन्न हो जाता है लेकिन अब औद्योगिक पद्धति के कारण सारा मालवा बदल चुका है अब औद्योगिकरण के कारण इन सभी चीजों में बदलाव आ चुका है मालवा अब उजाड़ी सभ्यता बन गया है तो जो पूरी तरीके से संपन्न मालवा था अब क्या हो गया है उजाड़ू सभ्यता मतलब खाओ खा खा के रहो रहो उजाड़ते रहो, ऐसी सभ्यता हो गई अपनी सभ्यता संस्कृति को सवारने का किसी में अब कोई ख्याल नहीं रह गया है लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता अमेरिका एकम यूरोपियन यूरोपियन की देन है जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई है तो उनको कहने का मतलब हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाना शुरू कर दिया है और ये सभ्यता क्या है औद्योगिक क्रांतियां लेकर आती है मतलब औद्योगिक इतने ज्यादा लगाते हैं कि इनसे हमारा जो प्राकृतिक संपन्नता होती है वो सभी नष्ट हो जाती है जिसके कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है जैसे लेखक बताते हैं कि नर्मदा को सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षसी बांध से बांध दिया गया है तो नर्मदा नदी में कई बांध बन गए हैं तो वो उसको उन्होंने राक्षस बोला है इसीलिए वह चिड़ गई है नर्मदा को बांधा गया राक्षस से तो वो बहुत गुस्सा हो गई है लेकिन फिर में फिर में उसमें अब भी बहुत पानी और गति है लेकिन नेमार के पास उसका बहाव और गति धीमी हो गई है तो उसमें अभी पानी है लेकिन नेमार जिन्हें उन्होंने बताया कि वहाँ पर पानी काफ़ी कम है लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान जो भी देखा महसूस किया और आज की जो स्थिति है उसे इस पाठ में शब्दों के माध्यम से पिरोया है उस आस में इस स्थित सारी नदियों उस में से सारी नदियों और तीर्थ स्थलों जैसे ओंकारेश्वर जहाँ शिप्रा नदी का उद्गम है सिरमोल का घाट जैसे जगहों के बारे में बताया है जो आज के समय में नष्ट होने के कगार पर है नदियों के स्थान पर बांध है फसलों की जगह कारखानों ने ले ली है तो इस सभ्यता में उन्होंने देखा कि नदियों में बांध बन गए फसलों जहाँ खेत थे वहाँ कारखाने बन गए नदियाँ जहाँ उद्गम स्थल है उद्गम स्थल पे ही नदियों का ऐसा हाल है कि आप देखकर जो है ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करेंगे शिप्रा नदी जो ओंकारेश्वर से प्रकट होती हैं बहुत ही स्वच्छ निर्मल जल हुआ करता था आज वहाँ पे बहुत बड़ा बांध बन जाने के कारण नदी जो है अब पानी भी हमको उतना नहीं दिखाई देता जितना नदी में पानी हुआ करता था तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस पाठ में हमको बताई हैं कि किस तरीके से मालवा की चीज़ों में परिवर्तन आया है इस बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण का विनाश हुआ है जाहिर सी बात है ज्यादा उद्योग लगेगा तो पर्यावरण को नुकसान तो होना ही है भाई उससे जितना वेस्टेज जितना पोल्यूशन होता है तो प्रकृति को बहुत नुकसान होता है जिस मालवा में पहले खेत खलियानों से हरी भरी फसल लहलाती थी वह आज बंजर हो गई है नदियां, तालाब झरने सब सूख गए हैं नदियों को बंदी बना दिया गया है अमेरिका की खाउ जाड़ी जमीन पद्धति ने पूरी दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम खुद अपनी जीवन पद्धति संस्कृति सभ्यता तथा अपनी धरती माता को उजाड़ने में लगे हैं तो यहाँ पर क्या बताया इन सब से जो है प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचा हमने पश्चिमी सभ्यता को अपना तो लिया लेकिन इस सभ्यता ने हमें ही हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारी धरती माता को ये कितना नुकसान पहुँचा रहा है हम इस खुद पर ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि पश्चिमी सभ्यता तो पराई थी मगर ये धरती माता ये सभ्यता ये संस्कृति तो हमारी थी किसी पराई चीज़ के लिए हमने अपनी संस्कृति को इतना क्यों नुकसान पहुंचाया है आधुनिक पद्धति विकास ने हम पद्धति विकास ने हमारे जीवन को हमारे जड़ जमीन से अलग कर दिया है हम अपनी जमीन के महत्व को भूलते जा रहे हैं और हकीकत तो यह है कि हम विकास के नाम पर उजाड़ रहे हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है तो यहाँ पर देखा कि हम आप दूसरों की चीज़ों को अपने के चक्कर में अपनी ही चीज़ों को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं तो इस पाठ के माध्यम से लेखने हमें लेखक ने क्या समझाने की कोशिश करी है हमें सचेत किया है हम अपनाए चीज़ों को उन्होंने हमसे ये मना नहीं किया कि आप पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाइए लेकिन उतना अपनाइए जिससे अपनी चीज़ों का नुकसान नहीं हो हमको अपनाना है लेकिन साथ ही अपनी सभ्यता संस्कृति धरती माता पर्यावरण सभी का ध्यान रखना है इन सब चीजों को नहीं नुकसान पहुंचाना है तो इस में उन्होंने हमको चीजें समझाई हैं और साथ ही सचेत भी किया है और मनुष्यों को पर्यावरण के महत्व को बताने की कोशिश की है लेखक ने मालवा के साथ साथ पूरी प्रगति को विनाश की ओर अग्रसर किया है जिससे हम पर्यावरण विनाश से बच सकें अथवा इसके महत्व को समझकर प्रकृति का दोहन ना करें बल्कि उसका संरक्षण करें। तो लेखक ने यहां बताया है सिर्फ मालवा में ही पूरी प्रकृति जो है विनाश की ओर अग्रसर है हमें समझाने की कोशिश करी है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है और अपनी धरती की हमें संरक्षण करना है क्योंकि हम उस जब तक ये धरती खुशहाल है मानव सभ्यता तब तक पलेगी अगर ये धरती विनाश की कगार पर आकर खड़ी हुई तो मानव सभ्यता कभी भी फल फूल नहीं सकती तो हमें अभी से बचाना है अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए ये चीज़ लेखक ने हमें इस पार्ट में बताया है अब तो देखते हैं इसी पाठ के कुछ प्रश्न उत्तरों को पहला प्रश्न है पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसे कैसे बचाया जा सकता है अपने विचार लिखिए तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये चीजें आपको बतानी है आपके विचार यहां पर पूछे गए हैं तो इसको आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं मगर कैसे लिखेंगे ये आइडिया हम आपको जरूर देंगे प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परमावश्यक है इस ओर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए वर्जित स्थान मतलब वर्जित जो चीज़ें पदार्थ होते हैं मतलब जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है जैसे प्लास्टिक्स हैं ठीक है ना प्लास्टिक बहुत तरह के होते हैं अगर ये ज़मीन में ऐसे चले जाए तो कभी भी गलती नहीं है तो इन सारी चीजों को हमें ऐसे अलग अलग तरीके तरीके से से रखना है ताकि इनका नुकसान जो अलग तरीके से इनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके ऐसे ही अगर जमीन में गड़ जाएंगे दब जाएंगे तो वो नुकसानदेह होते हैं जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में है उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए इस प्रकार प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा तो यहाँ पर क्या है जो भी डिस्पोज ऑफ चीज़ें हैं उनको बहुत कायदे से डिस्पोज करना चाहिए फैक्ट्री वेस्टेज को कभी भी नदियों में तालाबों में नहीं जाने देना चाहिए पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाइए उनका संरक्षण कीजिए ये बहुत जरूरी है तो आपके जो विचार हैं आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न संख्या दो है क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है अगर है तो किस प्रकार अपने शब्दों में लिखिए आपको है पर्यावरण की चिंता तो आप उसे अपने शब्दों में लिखिए और किस तरह की चिंता है ये भी लिखनी है हाँ मुझे भी पर्यावरण की चिंता है मैं देख रहा हूँ कि आसपास क्या हाल है मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज यह भारत के सबसे प्रदूषण युक्त शहर में आती है तो आप जहाँ पे भी, भी रहते हैं वहाँ पोल्यूशन का जो भी क्राइटेरिया है आप उसे लिख सकते हैं इसके कारण यहाँ के नागरिकों को सांस संबंधी त्वचा संबंधी बीमारियाँ हो रही हैं यहाँ पर शुद्ध वायु लेना तो जैसे सपने की बात है इस कारण लोगों की आयु भी कम हो रही है मैं सोचता हूँ यदि ऐसा रहा तो भारत का दिल कहा जाने वाला यह शहर कैसे बचेगा इसके अतिरिक्त यदि मेरे देश में हर राज्य और शहर का यही हाल रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा हम उन्हें क्या देंगे हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा वरना वह समय दूर नहीं जब मेरा देश प्रदूषण के जहर से त्रस्त हो जाएगा तो यहाँ पर आप जिस शहर में रहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न संख्या तीन है हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले के पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे तो ऐसा क्यों इंजीनियर समझते हैं देखिए आज के इंजीनियर अपनी तकनीकी ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं उनको लगता है कि पुराने जमाने के लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था वे तकनीकी शिक्षा से अनजान थे ऐसा सोचकर वे स्वयं एक गलतफहमी में जीते हैं वह मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया भारत के लोगों का को ज्ञान था ही नहीं तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर आप ये देखेंगे कि पश्चिम से ही सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ हुई तो आप अगर एक बार इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी कि भारत में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं बहुत चीजें हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही तो तकनीकी ज्ञान पश्चिम की देन नहीं है वो हमारे भारत में भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है प्रश्न संख्या चार है मालवा में विक्रमादित्य भोज और मंजू रिनेंनसा के बहुत पहले हो गए पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए तो मालवा के ये राजा हैं विक्रमादित्य राजा भोज और मंजू ये सभी रिनेंसा रिनेंसा मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे बहुत पहले ये लोग थे यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे बहुत पहले ये लोग थे इन लोगों ने पानी के लिए बहुत सारे प्रबंध किए तो वही सब चीज़ें आपको बतानी है क्या है इन राजाओं ने पठारों की कमज़ोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए बेहद इंतज़ाम किया अब मालवा एरिया पठार रीज़न है ठीक तो पठार में पानी नहीं रुकता पत्थरों में सोख जाता है जल्दी अब वहाँ पे पानी का प्रबंध करना था क्योंकि बारिश तो साल में एक बार होती है और उस सेव किए गए पानी को हमें सालों चलाना है तो आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं तालाब हैं हुँ? जैसे भोपाल शहरी सात झीलों का शहर माना जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे तालाब बड़े बड़े हैं तो यहाँ सब क्यों इन राजाओं ने यहाँ पर इन कमजोरियों को समझा और पानी का प्रबंध किया बड़े बड़े तालाब खुदवाए उन्होंने बावड़ियां बनवाई तो यहाँ पर क्या दिया उन्होंने इसके लिए सबसे पहले वहां पर तालाब कुएं बावड़ियों का निर्माण कराया इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे यह पानी पूरी पूरे वर्ष पानी की व्यवस्था करता था और लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था मालवा इसी का प्रमाण है तो मालवा में आप देखेंगे बावड़ियाँ तालाब मुझे बहुत मिलेंगे क्यों क्योंकि इनमें जो बारिश मालवा में बारिश भी बहुत अच्छी खासी होती है अगर बारिश अच्छी हुई और इन सब जगह पानी स्टोर हो जाता है तो साल भर पानी की कोई भी किल्लत नहीं होती है तो यहाँ पर ये पार्ट हमने ख़त्म किया ये इस पार्ट के डिटेल एक्सप्लेनेशन एन सी हमने पहले भी कराए हैं उनको आप देख लीजिएगा फिर ये रिविज़न करिएगा वन शॉट रिविज़न सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है बाकी सभी सब सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं तो ये आपको कहाँ मिलेंगे उसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नटेन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ वन शॉट रिविज़न मिलेगा आप वन शॉट रिविज़न पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आप देखेंगे कि वो क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिविज़न अवेलेबल है नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तो आपको कहाँ आना है आपकी क्लास है ट्वेल्थ आप वहाँ पर वॉच नाव पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा सारे क्लास ट्वेल्थ में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके सामने आएंगे बस आपको करना क्या है आपके जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है वो सब्जेक्ट आपको क्लिक करना है फिर तो जो भी चैप्टर एग्जाम में आ रहा है उसे क्लिक करेंगे उसका वीडियो देखेंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम अच्छे होंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी क्योंकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी तो देखते रहिए बाय बाय